हेलो 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 गाइस, वेलकम 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 टू द स्ट्रीम। सो गाइस, आज अपन स्ट्रीम करने जा रहे हैं टूर्नामेंट, है ना। सो अभी जस्ट स्टार्ट किया है, सो बहुत ज़्यादा कुछ हरकतें करने की कोशिश नहीं कर रहे अपन। ही चेक नाउ, आई थिंक आई विल गो फॉर अ डिसेंट साइजिंग बेट एंड टुक दिस वन डाउन वेरी वेरी इजीली। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारी आज की इस स्ट्रीम में, जिसमें हम करने जा रहे हैं काफ़ी कुछ। और 10-3 ऑफ, जस्ट हैव टू फोल्ड, कांट डू मच। एक सेकेंड ना गाइस, यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अलर्ट्स अलर्ट्स अलर्ट्स, ये मैंने चैट का कुछ तो गड़बड़ किया है, आई डोंट नो। चैट अभी मैं फिक्स करता हूँ, तब तक थोड़ा सा गेम अभी अभी स्टार्ट हुआ है गाइस, सो लेट्स सी। ओके, जीके भाई का मैसेज भी आ गया, गुड लक सावन भाई, थैंक यू जीके भाई, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई हैव 9 जैक एंड आई थिंक आई विल गो फॉर 3 बिग ब्लाइंड्स। मतलब यहाँ पे यार, एक तो इसमें ना बिग ब्लाइंड्स और वो सब लिखा नहीं हुआ है, सो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट चलो। ओके, नाउ आई हैव फ्लश ड्रॉ, ही चेक्स एंड अभी फालतू में पॉट बड़ा नहीं बना रहे, एक बार ड्रॉ देख लेते हैं उसके बाद चलते हैं ना यार, बिल्कुल तबाही मचाते हुए। ओके, ही डिसाइड्स टू बेट। साइजिंग काफ़ी तगड़ी है इसकी, बट यार कहीं जा नहीं सकते अपन, आई हैव टू कॉल। शिट मैन, दिस सक्स। अब देखते हैं पॉट आउट्स किस हिसाब से मिलते हैं हमें रिवर पे। यार इसके पास स्टैक बहुत अच्छा है ना, सो ये काफ़ी चीज़ें कर सकता है। ओके, प्रीटी स्मॉल साइजिंग, सो आई थिंक कॉल करना ही फ़ायदेमंद है। और रिवर पे किंग आ चुका है, विच इज़ नॉट गुड, एंड यप, गोइंग फॉर अ ब्लफ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड ही कॉल्स, वी आर बस्टेड। ओके दैट्स फाइन, अगर फ्लश आता हम तब भी बस्ट हो जाते। तो गाइस ये थी कहानी, ये ऐसी खेल रहा था मैं, दिस वॉज जस्ट फॉर फन। सो यप, अब कोई दूसरा टूर्नामेंट खेलते हैं, लेट्स सी। ये बस फ्री रोल था यार, सो इतना कोई इशू नहीं है, मतलब फ्री का था, बट यप अच्छे से खेलना चाहिए था, थोड़ी सी मेरी गलती है ना। सो ये अब अपन कहाँ खेले यार, आज कहाँ खेले, कौन सी वेबसाइट पे खेले आज? चलो बाजी पे ही जाते हैं गाइस, बाजी पे ही जाते हैं, बाजी 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 बाजी। ये फ्री रोल था यार, सो कोई ज़्यादा ऐसा इशू है नहीं। अभी लेट्स मूव टू बाजी नाउ, बिकॉज वो तो ऐसे ही खेल रहा था मैं, मैंने सोचा कुछ जीत गए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी जीते तो भी बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत की बात ही नहीं यार, है ना। सो यप, लेट्स गो। कौन सा टूर्नामेंट खेले यार, 10 सीट्स गारंटीड, 7-15 पे शुरू हुआ है, नहीं खेल पाएंगे यार अभी। 10 सीट्स मेगा स्टैक, ये भी नहीं हो पाएगा। 5 सीट्स टर्बो, नॉट अ गुड डील। 10 सीट्स एपीटी टर्बो, ओके 10 सीट्स एपीटी टर्बो खेलेंगे अपन, 7-15 पे खेलेंगे यार अब। सो क्या करें, ओके लेट्स सी, लेट मी थिंक गाइस, क्या कर रहे क्या करें। कौन से टॉर्नी खेले यार, ओके इसको कैसे भूल गया मैं गाइस, इसको आज वो भी तो होगा ना, 10 में 10 लखपति, यप कितने हुए से 6.5। सो गाइस 15 मिनट में 10 में 10 लखपति शुरू होने वाला है, तो तब तक अपन कुछ खेलते हैं भाई, है ना, तब तक खेलते हैं कुछ अपन, लेट्स सी।
क्या खेले। उला ला, थोड़ा कैश गेम खेल ले क्या। यार एक तो ये बाजी में टेबल्स ही नहीं है भाई। उला ला। अबे यार मैं क्लिक किया तो, अबे यार इस एंडी को जगह दे दी भाई, अपने को जगह ही नहीं मिली है गाइस, अपने को जगह ही नहीं मिली है। सो टेबल तो दिखाई देता हूँ ना एटलीस्ट। उला ला। ओके सो टेबल तो लग चुकी है यार, मगर सीट ही नहीं मिली भाई। वही मजाक हो गया अपने साथ। अभी 7:15 पे शुरू करेंगे वैसे। सलमान भाई का मैसेज आया, गुड लक ब्रो शिप इट। अरे सलमान भाई अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया यार। अभी बस सोच ही रहा हूँ यार मैं कौन सा टूर्नामेंट खेलूँ, मतलब क्योंकि कोई बड़ा इवेंट में खेलना नहीं चाहता। अरे यार यहाँ पे भी एक और अपॉर्चुनिटी चली गई सीट छीनने की। ओके यार देना देना भाई। अबे यार यहाँ पे मेरे को सीट ही नहीं मिल रही गाइज। आप कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात ही नहीं है ना, ऐसी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है सो एक काम करते हैं अपन, करते हैं कुछ करते हैं। ओके जानू। ओके सो यप लेट्स सी। सोच रहा हूँ यार मैं क्या खेलूँ है ना, आज सोच में ही पड़ गया मैं। खेले तो खेले क्या, करे तो करे क्या। ओके। चलो थोड़ा सा कैश गेम्स ही खेला जाए, और अभी म्यूज़िक व्यूज़िक सब सब कुछ सेट कर लेगा तुम्हारा भाई, टेंशन नॉट। बस 2 मिनट का समय दो हमें, है ना। चांद रोशन थे जब आसमां में कहीं, आधा घंटा तो इसी में निकल गया भाई आज। करे तो करे क्या करके ना, कोई ना 10 में 10 लखपति खेलेंगे यार आज। एक सेकेंड आ गाइस। बहुत सारे टूर्नामेंट्स है यार आज खेल सकता था मैं वैसे। 5 सीट्स रिपीटर, वो 5 सीट्स क्यों खेलूँ ना, लेकिन ओके यार 5 सीट्स ही खेलते हैं क्योंकि 10 सीट्स में भी एंट्रीज तो बढ़ेंगी। सो यार 5 सीट्स खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। ओके सो बहुत ज़्यादा भी खर्चा नहीं करूँगा मैं डेफिनेटली, है ना। पॉकेट क्वींस गाइस, पॉकेट क्वींस आई है यार तुम्हारे भाई के पास।
तुम्हें कौन सा एंड दिखा रहा हूँ मैं गाइस, ये देखो भाई, पॉकेट क्वींस तुम्हारे भाई के पास आई हुई है, अब दो रानियां आई हुई है, तो कुछ ना कुछ तो कमाल होना चाहिए यार। ओके भाई, सेट लग गए तुम्हारे भाई के, लेकिन ये बोर्ड इतना अच्छा नहीं है, मानो या ना मानो। ही चेक्स, रॉबर्ट चेक, ही चेक, आई एम गोइंग फॉर अ स्मॉल बेट। बहुत लार्ज तो यार मैंने बहुत ज़्यादा ही स्मॉल कर दिया एक्चुअली। ही रेस एंड दैट्स अ जैम, जस्ट होप जैक टेन ना हो। ओके ही डिसाइड्स टू फोल्ड, दैट्स फाइन, थोड़े और वैल्यू ले सकते थे हम, नहीं ले पाए, क्या ही कर सकते। ओके अब कैश टेबल आई थिंक हटा ही देनी चाहिए मुझे, कैश टेबल क्या ही खेलूँ अब, थोड़ा सा सेट ही खेल रहे गाइस, हम सेट ही खेल रहे हैं, सेट ही पे थोड़ा सा फोकस। 6-7 सूटेड, ही लिम्ड, आई एम गोइंग फॉर अ बेट, या व्हाई नॉट मैन, ही डिसाइड्स टू कॉल। ओके सम डिसेंट हैंड्स ही माइट हैव, सम क्वीन एक्स ही कैन हैव, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ बेट अगेन, ही डिसाइड्स टू फोल्ड। मैन कुछ तो हैंड लेके आया करो ईशान भाई, कुछ तो, कोई बात नहीं, दिस टाइम आई हैव पॉकेट सिक्सेस, लेट्स सी पॉकेट सिक्सेस कैसे चलते हैं इस बार, है ना, लेट्स सी लेट्स सी। और ये माइक को थोड़ा और पास कर लेते हैं गाइस, है ना, ताकि हमारी मधुर आवाज़ अच्छे से ले पाए, और थोड़ा सा एक सेकेंड में सेटअप ठीक कर लूँ। ओके पॉकेट सिक्स को तो हम बड़े ही प्यार से कॉल करेंगे सिर्फ, क्योंकि स्मॉल ब्लाइंड पे ज़्यादा नेतागिरी करते नहीं है। उसने ओपन किया है एंड 6-7-8-9, दैट्स फाइन, 10 आता है तो दिक्कत ही होगी, सो यप जस्ट गोइंग फॉर अ चेक। बहुत ज़्यादा अच्छा बोर्ड हमारे लिए नहीं है, लेकिन रॉबर्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी किस टाइप का प्लेयर है रॉबर्ट, 10 जैक सूटेड हो सकते हैं इसके पास, ही बेट्स, नाउ आई थिंक अगर 6 आता है तो भी हमें घाटा है, 10 आता है तो भी हमें घाटा है, वी मतलब हमें सिर्फ 5 चाहिए, सो आई थिंक यहाँ पे चिप्स देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आराम से अपना चिल होके बैठते हैं। 5-4 ऑफ सूट, जस्ट हैव टू फोल्ड, कांट डू मच, कांट डू मच। यार मेगा स्टैक की सेट ही खेलने का भी मूड था, मतलब यार मन तो काफ़ी है, लेकिन वही है ना, बैंक रोल ब्रो, बैंक रोल को करना है फॉलो। उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, चुनाना, अब मैं जवा हो गई, तूने ही बरसात कराई, क्या करेगा सावन बेचारा बेचारा बेचारा, चुटकी जो तूने काटी है जोरो से। ए 6 यार, डेफिनेटली आई एम गोइंग फॉर अ कॉल, अभी स्टैक साइज डिसेंट है, सो ज़्यादा डरने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, जस्ट आई हैव टू प्ले द डिसेंट गेम, है ना। ओके 6, मेरी रेंज को तो हिट नहीं हुआ, बट किसी ना किसी के रेंज में जैक आना चाहिए, बट सिंस एवरीवन जस्ट चेक्ड, आई एम गोइंग फॉर अ बेट फ्रॉम लेट पोजिशन, कंस मास्टर कॉल्ड, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस डेफिनेटली, नाउ लेट्स सी, ही चेक, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ बेट अगेन, नाउ आई एम लूजिंग टू, ओके ही बेट्स अगेन, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर अस, जस्ट लेट इट गो दिस टाइम, मोस्ट प्रोबेबली ही माइट हैव सम डायमंड्स विद हिम, या लेट इट गो लेट इट गो। वापस से उतने ही स्टैक पे आ गए अपन यार, बताऊँ। ओके सो अभी यार टेबल तो कुछ खास, मतलब डिसेंट सी चल रही है यार टेबल, मतलब कुछ खास है नहीं। ही रेज्ड, आई हैव टू डिफेंड, नो नाउ आई कांट डिफेंड इस 3 बेट। ओके
Yep, guys, now I can't defend anything actually. So, yep, let it go. Okay. Pocket Jacks versus Ace King lose. Pocket Jack won this time. हम भी हार ही जाते. ओके, PUBG इंडिया को मिल चुका है एक मच नीडेड डबल अप. लेट रेज है एक घंटे का. सो अभी स्टैक फटाफट हमें भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं इस टूर्नामेंट में दो तीन एंट्री दे पाऊँगा, है ना. सो यप, लेट्स सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड फ्रॉम हियर ऑन. ब्रो 10 में 10 लखपति के लो. हाँ भाई, मैं बस रजिस्टर ही करने वाला हूँ. कुणाल चौहान, कुणाल भाई, मैं बस रजिस्टर ही करने वाला हूँ. सो यप, खेलते यार, अभी शुरू करता हूँ मैं 10 में 10 लखपति बिना. अभी रजिस्टर यार, यहाँ ब्रेक हो गया. 10 में 10 लखपति अब 3 बजे शुरू, मतलब 6:30 बजे शुरू होगा. सो अभी करते हैं शुरू. ऐसी कोई बात नहीं है कि 10 में 10 लखपति नहीं खेल रहे हैं, हम बिल्कुल खेल रहे हैं भाई, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है इस बात में, है ना. सो करते हैं अभी स्टार्ट. हाँ, ला 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 ला, टू 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 टू. एंड कुणाल भाई, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम मैन. कंस मास्टर को काफ़ी अच्छा खासा हमने चिप्स दे दिए अपने, कोई ना, आप क्या ही कर सकते हैं, है ना. सो यप, तो यार 4 मिनट का ब्रेक है यार, हम क्या करें. 4 मिनट, 4 मिनट में हम लिंक पहुंचा देते अपने दोस्तों के पास. और अगर भाई लोग, आप में से किसी ने भी लिंक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया ना, सो एक काम करो यार, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों ठोक दो यार, ठीक है ना. बड़ा ही अच्छा लगेगा यार अगर ना आप लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे ना हमारे चैनल को, भाई मज़ा ही आ जाएगा. तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ, जब तक ये ब्रेक चल रहा है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. 10 में 10 लखपति भी हम खेलेंगे, है ना. सो सी यू आफ्टर द ब्रेक. जब कैमरा थोड़ा डीएक्टिवेट करते हैं, ऑडियो भी हम कर रहे हैं डीएक्टिवेट. सो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद.
हेलो हेलो, वेलकम वेलकम गाइस। तो यार इसमें हम लास्ट पे चल रहे हैं भाई, वेरी बैड मैन। पता नहीं क्यों भाई लास्ट पे चल रहे हैं हम पहली वाली टेबल में। तो सो गाइस, अपनी चल रही है गाइस दो टेबल, ठीक है। एक काम करते हैं, इनको ना सिंक में ले आते हैं बिल्कुल। आई थिंक सब मैं यार एक काम करता हूँ गाइस, पहले टेबल सेट कर देता हूँ है ना, फिर देखते हैं बाकी। कुणाल चौहान का मैसेज है ब्रो, 10 में लग। हाँ यार, तो मैंने पढ़ लिया था। कुणाल भाई आपका, नवीन भाई का मैसेज है, गुड लक ब्रो। थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू फॉर योर वेल विशेस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम मैन, थैंक यू। और कुणाल चौहान भाई का मैसेज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू कुणाल भाई फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब यहाँ पे ब्लाइंड्स हमारी 45 ही है, सो बहुत ज़्यादा कुछ करने का ट्राई। अरे यार, 3 बेट, कोई बात नहीं, आई कैन डिफेंड। और जैक टेन वाले में भी यार वैसे हमारी ब्लाइंड्स कम थी, मैंने बिना बात के डाल दिया शायद, आई थिंक इतना रेज। और यहाँ पे इट्स एन इजी कॉल, फ्लश ड्रॉ बोर्ड है, काफी इंटरेस्टिंग बोर्ड आ गया यार यहाँ पे। लेट्स सी। यहाँ पे यार चेक करने के अलावा और कुछ खास लग नहीं रहा, बट इंद्रजीत ने क्योंकि रेस किया था सो मोस्ट प्रोबेबली इस पे प्रीमियम्स होने चाहिए या फिर पॉकेट पेयर्स। दैट्स फाइन, हेयर टैक्स एंड वी हैव टू फोल्ड। और 4 की वॉचिंग आ रही है यार आज हमारी गाइस, 4 5 भाई, 5 बंदे स्ट्रीम पे हमारे आ चुके हैं यार। सो वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम। और अरे यार, मैंने IUPC वाला प्रमोशन क्यों लगाया? ओके एक सेकेंड यार, मैंने कहीं बोलूँ IUPC का प्रमोशन आज अपन नहीं कर रहे हैं भाई, आज अपन 10 में 10 लखपति हील रहे हैं ना। पॉकेट 10 वर्सेस पॉकेट 8, नाइस मैन। अगर एक भी हमारे पास सोचो ये डायमंड कार्ड होता, क्या ही मजे आ जाते भाई। सो जो भी हमारे स्ट्रीम पे आ चुका है गाइस, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम। डू हिट द लाइक बटन एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। और सैटी में तो अभी कुछ खास चल नहीं रहा है, बाकी बंदे ही जीत रहे हैं, हम पता नहीं कब जीतेंगे। एंड यस, वी आर प्लेइंग 10 में 10 लखपति ऑल्सो। तो एक काम करते हैं ना, एक जगह 10 में 10 लखपति लिख दे क्या? ओके लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो फॉर अस। एंड काम करते हैं अपन, ये क्यों कर रहे हैं? जहाँ 5 6 है वहाँ तो कुछ आना है नहीं, सो वी हैव टू फोल्ड। 7 5 5, दिस बोर्ड इज डिसेंट, कान डू मच, क्योंकि यार अभी कोई भी यार कोई ये देखो जैम ही कर दिया ना उसने, सो मेरी अटैक करने का फायदा नहीं, क्योंकि अभी बहुत लूज गेम होगा, बहुत ही ज़्यादा। A7 vs 4-7, ओके दैट्स कूल। A7 won this one, that's fine. And welcome, welcome guys, welcome to the stream. Let's see आज यार 10 में 10 लखपति में क्या कुछ हम कर पाते। 9 deuce suited है, but I have to fold. Let's see guys, 10 में 10 लखपति में क्या कर पाते। और एक दो सेटिस मैं खेल रहा हूँ, लेट्स होप कि सेटिस में भी कुछ हो जाए यार। सीरियसली ब्लाइंड्स तो कम होते जा रही है, बट स्टिल यप, आई हैव टू डू समथिंग मैन। अगर एक भी सेट ही क्वालिफाई हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सो ही डिसाइड्स टू बैट, आई एम गोइंग टू डिफेंड Jack9 offsuit बिकॉज यार, अबे भाई जाओ ले जाओ। अब यार डिफेंड करने जाओ तो बैट पर ऑल इन आ जा रहा है, सो क्या ही कर सकते हैं भाई। 6 की वॉचिंग आ रही है यार अपने चैनल पे भी यार, बहुत ही बढ़िया गाइस, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम यार गाइस। और आज ट्राई करता हूँ यार कुछ बढ़िया कंटेंट ला पाऊँगा इस आप लोगों के लिए। Ace-8 डेफिनेटली आई हैव टू ओपन, क्योंकि भाई ओपन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे यार। Ace-X हैंड्स ओपन करने पड़ेंगे। ओके ही कॉल्स एंड ही चेक, नाउ आई विल बेट हाफ पॉट।
है ना, कुछ तो बेट करना ही पड़ेगा. नाउ ही इज थिंकिंग एंड ही डिसाइड्स टू फोल्ड. दैट्स एन इजी पॉट फॉर अस. दीपक कुमार भाई आए हमारे स्ट्रीम पे. गुड लक ब्रो. थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू फॉर योर वेल विशेस. एंड यार स्ट्रीम पे जुड़े रहना यार, कुछ करते हैं भाई आज, अच्छा कंटेंट बनाते हैं यार, है ना. और ट्राई करते हैं यार कि टूर्नामेंट हम कोई ना कोई टूर्नामेंट में तो बढ़िया परफॉर्म करें. सो आज यार करते हैं कुछ गाइस, है ना. ला 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 ला. सो यप, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. एंड अभी तो कुछ खास चल नहीं रहा है. 3-5 ऑफ सूट जस्ट हैव टू फोल्ड हियर. ओके, 10 में 10 लखपति में भी ब्लाइंड्स बढ़ चुकी है, सो थोड़ा सा ध्यान से वहाँ भी खेलना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे अपने पास है पॉकेट क्वींस. आई एम गोइंग फॉर अ रेस. आई जस्ट होप ईशान जैम ही कर दे भाई, मज़ा ही आ जाएगा. नहीं, लेट्स सी. ईशान कॉल करता है, फोल्ड करता है, क्या करता है. ओके, ही डिसाइड्स टू कॉल. किंग 6-6 नॉट अ गुड बोर्ड फॉर अस, सो आई विल कंटिन्यू अटैकिंग. इफ ही री रेज देन आई हैव टू थिंक अबाउट इट. ही जस्ट कॉल्स विच इज़ नॉट आइडियल सिचुएशन फॉर अस, सो बट ही माइट हैव सम A6 टाइप ऑफ हैंड, सो आई विल कंटिन्यू बैरलिंग. Let's see what he decides. Okay, he decides to re-raise. Now I think I should fold because pocket queens. Yeah, I can win this one actually. He decides to call, but now suddenly why did he raise? Okay, let's just call this time. Let's see. He decides to bet, man. Is annoying. Most probably I am losing here. 1000 बचा के कोई फायदे नहीं है, so I'm anyway going for a call. King Jack, man, fuck it, yeah. यहाँ पे blinds बचा के मेरे को कुछ logic लग नहीं रहा था, और पता था यार मैं हारने वाला हूँ, but still I don't know why I called here and fuck. 10 में 10 लखपति में भी लग गए भाई अपने. Pocket eights, deuce king. क्या ही हो रहा है यार, यहाँ तो रीबाई इजीली हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है यार. पॉकेट एट्स वाले में भी डबल अप था, यहाँ भी 6-5 vs 7-5. ओके, ईशान को बिना बात का डबल अप दे दिया यार अपन ने, पता था यार वहाँ पे उसके पास है. स्टिल 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 ओके, जैक 5-5 बिग बैंड, सब क्या ही कर सकते हैं. सो आई हैव टू जैम, और री एंट्री लेनी पड़ेगी यार इस टूर्नामेंट में, है ना. तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है यार. रक्षित अरोरा भाई आया स्ट्रीम पे. गुड लक. थैंक यू रक्षित भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम. थैंक्स अ लॉट मैन फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम. एंड वी नीड योर सपोर्ट कॉज. अबे यार बाहर हो चुके हैं गाइस. एक और बुलेट यहाँ पे मार रहा हूँ मैं, ये क्या है. ओके लॉबी, एक और बुलेट मारनी पड़ रही है यार, क्या ही कर सकते हैं वहाँ पे यार. पॉकेट क्वींस वाले हैंड में फालतू में सीन कर दिया यार मैंने, बट चलो कोई बात नहीं यार, हो जाता है, गलती इंसान से ही होती है. मैं वैसे इतना कोई सीन नहीं है, बट स्टिल आई थिंक वहाँ पे जाने जाता. और 10 में 10 लखपति में तो यार गाइस फ्लिप लेने पड़ेंगे शुरू में, स्टैक चाहिए भाई, स्टैक चाहिए. ओके, गुड कॉल्ड.
Just hope we are ahead. Okay, Tanjak versus his queen. Ah, fuck man. Need a jack. क्या बोर्ड आ रहे हैं यार. Shit बे. Shady बन गया उसका. Third entry man. His queen was good for jam. और क्या ही बोर्ड आ रहे हैं भाई हमारे लिए. कोई बात नहीं. एक डबल अप चाहिए यार गाइस. एक डबल अप उसके बाद फिर स्टैक बिल्ड करने का सोच सकते हैं ना. अभी से क्या कंजर्वेटिव है यार. जब एंट्री इतनी कम है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए मेरे हिसाब से तो. लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो. और यार ये दूसरी वाली में तो मैं एक और एंट्री नहीं लेने वाला हूँ ये सेटी टूर्नामेंट में. बिकॉज यहाँ पे मैं एक फकअप ऑलरेडी कर चुका हूँ. आई डोंट नो मे बी आज भी मूड में ही हूँ मैं. कोई ना लेट्स सी. थोड़ा तो खराब खेल रहा हूँ आई एग्री. अगर मतलब बस्ट हुआ यहाँ पे तो फिर सीधे मैं वो खेलने लग जाऊँगा कैश गेम. बिकॉज पता नहीं यार अभी मतलब सेवन जैक किससे जीता हुआ फ्लश अभी बन ही नहीं रहा यार यहाँ पे मतलब खेलने जैसा. आई डोंट नो क्या सीन हो रहा. पॉकेट क्वींस वाला मुझे पता था यार उस पर किंग है ऑफ कोर्स. डेट्स वाई पहले उसने फ्लॉप पे कॉल किया सो मुझे पता था उस पर किंग ही हो सकता है. मे बी सम एस एक्स हैंड हो सकते हैं और बट फिर जब वो टर्न पे जाके उसने थ्री बेट किया सो तब पता ही चल गया था यार. बट स्टिल हाई लॉन्डे गुड लक. हेलो हेलो डेडमैन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. वेलकम वेलकम और वेलकम यार. अभी तो कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा यार. सो भूल चूक माफ़ करना अगर कोई हो रही हो. किंग ड्यूस I have chances but it's only flush draw most probably so yeah, I can let this one go. Welcome यार. Welcome to the stream भाई लोग जितने भी आ रहे हैं यार लाइक कर दो यार स्ट्रीम को. स्ट्रीम में लाइक बढ़ा दो यार है ना. लाइक्स होंगे तो यार और बंदे आएंगे और लोग जुड़ेंगे हमारे स्ट्रीम से. सो देखते हैं अभी कैसा जाता है हमारा. मतलब अभी ये दो टूर्नामेंट खेल रहा हूँ फिलहाल मैं. सो लेट्स सी ये कैसे जाता है. उस हिसाब से सोचेंगे कि इसके बाद और कोई इवेंट हमें खेलना है या नहीं. क्योंकि यार भाई मतलब फालतू में मतलब बैंक रोल नहीं उड़ा सकते ना पूरा. तो फिर सोचेंगे मतलब इसके बाद. ओके किंग जैक ऑफ सूट. लेट्स सी डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ओपन. ओके ही जैम्स नाउ आई थिंक नो नीड टू ओपन. ओके पॉकेट नाइन वर्सेस एस थ्री में फ्लिप लिया है बंदे ने. एंड पॉकेट नाइन होल्ड्स देयर. एस थ्री अब हमारे पास आ चुका है और हमें क्या करना चाहिए गाइस. लेट्स सी कुछ कर सकते हैं तो. ओके इट्स अ मल्टीवे पॉट. काफ़ी बड़ी रेस के साथ शुरुआत की भोलू काका ने. मोस्ट प्रोबेबली पॉट से हटाना चाहते हैं. मॉन्स्टर हैंड तो मैं नहीं कहूँगा प्रीमियम्स हो सकते हैं. एस किंग एस क्वीन टाइप ऑफ हैंड्स. लेट्स सी. ओके 10 में 10 लाख पति में कुछ तो हैंड आ जा भाई. बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं लेने वाला क्योंकि पहले सोचा था एंट्रीज पे एंट्रीज लूँगा बट यार मन नहीं कर रहा पता नहीं क्यों. यहाँ तो भाई सीधे डबल अप ही लूंगा मैं अब और कुछ नहीं. डबल अप और फोल्ड. डबल अप और फोल्ड गाइस नथिंग एल्स. किंग ड्यूस ऑफ. यार भाई क्या कार्ड्स आ रहे हैं.
चलो S9 इजी जैम। ओके जयशवाल कॉल। ओके वी हैव द क्या कहते हो उसे भाई, नट्स ब्रो नट्स एंड इजी ट्रिपल अप फॉर अस। लेट्स गो बॉयस। S9 जैम करना कितना बढ़िया रहा यार। एंड वी गॉट दिस वन मैन वेरी वेरी इजिली एंड अपना स्टैक बढ़िया सा हो गया। क्वीन एट ऑफ। अब थोड़ा प्यार से खेलेंगे भाई, अब प्यार से गेम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 10 में 10 लखपति में हमारे पास आ चुके उम्मीद, और उस उम्मीद के बलबूते पे हम चलने वाले आगे। लेट्स सी। और यहाँ पे कंश मास को भी डबल अप मिल चुका है तुषार से। एस क्वीन जस्ट गोइंग फॉर 2.5 बिग ब्लाइंड्स। एनीवन जैम आई हैव टू कॉल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इस सिचुएशन में फुल सेंस नहीं बनेगा। ओके दे जस्ट कॉल, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं होगा, बट किंग 10 8 10 हो सकते हैं पॉसिबली। सो आई थिंक आई हैव टू बेट हियर विथ माई टॉप पेयर टॉप कीकर। ही शव्स विच इज़ नॉट गुड, बट आई हैव टू कॉल जैक 5, डेट्स फाइन। नो जैक नो 5 प्लीज। एंड वी होल्ड गुड देयर। ओके ब्रो स्टैक अपना 10 में 10 लखपति में बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है प्यार से। सो काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे पॉकेट 4 वर्सेस इस जैक हो चुका है। तुषार भाई को कुछ हेल्प चाहिए और वो हेल्प मिल गई शायद। यप वो हेल्प मिल गई है। और जी इंडिया भाई यही सोचते रहेंगे यार क्या ही हुआ। अंगद वर्सेस रॉकी हो चुका है यहाँ पे। पॉकेट 8 वर्सेस एस 10 एंड पॉकेट 8 होल्ड्स गुड देयर। और रॉकी भाई का हो चुका है 138 बिग ब्लाइंड्स का स्टैक विच इज़ वेरी गुड फॉर हिम यार। और अपन आ चुके हैं 130 पे आ चुके हैं गाइस। सो जस्ट गोइंग टू लिम दिस टाइम बिकॉज अर्ली पोजिशन है, कोई भी अटैक कर सकता है यहाँ से। सो कभी कभार लिम करने का मन है ना, आई कैन फोल्ड इजिली। सो 10 में 10 लखपति में तो यार थोड़ा सा बेटर गया है फिर अभी तक। और वैसे यार इसमें लेटरेज कितना होता है भाई? लेटरेज ही क्लोज है, मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे कैसे हो सकता है लेटरेज क्लोज हो गया क्या? लेट मी सी। ओके पॉकेट क्वींस वर्सेस 3-5 एंड एस आ गया था यार यहाँ पे। सो अपन जीत जाते बट अनफॉर्चुनेटली अपन ने कॉल ही नहीं किया, क्या ही करे। चलो कोई बात नहीं गाइस, होता है। रॉकी भाई को भी लपेटेंगे हम, सबको लपेटेंगे भाई सबको। और लेट रजिस्ट्रेशन आई डोंट नो इसमें क्लोज क्यों हो गया यार। मैक्स ओके मैक्स रजिस्ट्रेशन 3000 था, सॉरी। ओके एस 10 आई हैव टू कॉल देयर। फ्लिप है 4 क्वीन वर्सेस एस 10। ओके 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 होल्ड कर ले भाई, होल्ड कर ले एक कार्ड। ओके सो अंगद भाई बोल ले हम देंगे तुमको पैसा, तुम दो हमको क्या दो, हम इनको कुछ नहीं देंगे, ये हमको देंगे पैसा। और बहुत बढ़िया भाई यहाँ पे तो गाइस मौजा ही मौजा हो रहा है। और अंगद गिल आई नो इस बार भी जैम करेगा। सो एक बिग ब्लाइंड दे देते जा, चेक करेगा तो भाई बढ़िया। He decides to jam and this time I think I should fold. पता नहीं ऐसे ही मन किया मेरा इस बार की fold कर लेते हैं भाई। चुन चुन। और दूसरी टेबल में यार ईशान कितने बार भाई कितने बार बाहर होगा। और कंस मासा के पास स्टैक देख रहे हो 86 बिग ब्लाइंड का, मोस्ट प्रोबेबली चिप लीडर यही होगा आई थिंक सो। कंस मास्टर नो मनी मंकी है, कंस मास्टर भी लगभग चिप लीड के पास ही है। और अपन तो यार इस टूर्नामेंट में वर्ज ऑफ डेथ पे है, सो क्या ही बोले। चलो कोई बात नहीं, वही है डेवलप वाला गेम इधर। आई जस्ट हैव टू वेट फॉर अ डबल अप मोमेंट। ओके क्वीन 10 वर्सेस पॉकेट 9 एंड क्वीन 10 अभी भी हैंड में। और ओहो बैड बीट मिल गई शेडी को कह सकते हैं एक हिसाब से, बैड बीट ही है तो शेडी भाई के भी लग गए। एट सिक्स ऑफ जस्ट हैव टू फोल्ड।
अंगद भाई यहाँ पे पैसा बांटते हुए, भरपूर पैसा बांट रहे हैं अंगद भाई। अंगद भाई ने इतना पैसा बांट दिया है यहाँ पे रॉकी और मुझे कि मजा ही आ रहा है गाइस। ओके पॉकेट जैक्स पर थे A6, अंगद भाई को चाहिए एस और एस आ गया, एस आ गया गाइस। सो क्रेजी क्रेजी रॉकी भाई से थोड़ा सा अंगद भाई ने अपना पुराना पैसा वापस लिया। अंगद भाई कह रहे कि हमने तुम्हें उधार दिया था, तुम क्या समझे। ओके देखा देखा स्टैक आते ही भाई, स्टैक आते ही अब देख रहे हो ओपन बढ़िया है। वैसे यहाँ तो लेट रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, सब बंदे तो नहीं बढ़ेंगे इस बात की खैरियत है। भैया लेट रज क्लोज क्यों गया 2000? ओके 1220 तो री एंट्रीज ही हुई भाई, अभी रीबाई कितने हुए होंगे यार। आई डोंट नो, आई थिंक री एंट्रीज को रीबाई की तरह ही कंसिडर किया जा रहा है ना इसमें। आई डोंट नो मतलब ऐसी कुछ है शायद। 5-6 ऑफ क्या ही करे भाई 5-6 ऑफ में। ओके दो बंदे ऑल इन हो चुके हैं। ओके एस 10 वर्सेस क्वीन 6 में जैम किया है इसने, तो ये नोटिस करने वाली बात है। और किंग क्वीन वॉन दिस वन मैन, नाइस नाइस नाइस, किंग क्वीन को मिलता हुआ ट्रिपल अप टाइप ऑफ, मैं ट्रिपल अप ही मिला है आई थिंक। किंग गेट ऑफ जस्ट हैव टू फोल्ड हियर आई, क्या हुआ वाह यार। अरे अंगद ने किसी को लपेट दिया शायद। ओके सिंगा जैम, सो आई डोंट थिंक आई शुड कॉल हियर। एस 9 वर्सेस एस 10 वर्सेस 5 किंग हो रहा है यहाँ पे। एस 9 इज लीडिंग, ओके एस 9 होल्ड्स गुड। नो 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 ओके बोलू काका जीत गए रिवर पे, बट रॉयल फ्लश के पास टैग ज़्यादा था तो वो जीत गया। किंग जैक ऑफ दिस इज इट फॉर अस मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कोई ना कोई जैम करने वाला है। सो आई हैव टू कॉल बिकॉज किंग जैक आप फोल्ड नहीं मार सकते और 15 बिग ब्लाइंड के स्टैक्स हम क्या ही करेंगे। मतलब इतना अच्छा हैंड तो है नहीं वैसे किंग जैक, बट यार 15 बिग ब्लाइंड के स्टैक्स आई डोंट नो कि और किस कार्ड का वेट करें अपन, है ना। सो लेट्स जस्ट होप कि कॉल कॉल हो, कोई जैम ना करे। बट भोलू काका जैम ओके, हिश 8 बिग ब्लाइंड्स डाल ही दिए। सो आई थिंक आई हैव टू जैम मैन यहाँ पे, मतलब और क्या ऑप्शन है मेरे पास। आइदर आई कैन सेव माई 2200, बट फिर कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात का। सो आई एम गोइंग फॉर अ जैम, लेट्स सी। जैक 10 क्वीन 10 किंग जैक, आई एम अहेड भाई प्लीज। अबे यार फ्लैश ही दे दिया भाई उसे, फ्लैश ही दे दिया भाई, दो कार्ड्स और होल्ड कर लेता यार। ओके सो अब यार रीबाई मैं नहीं करने वाला क्योंकि 88 है इसका रिवर्स। सो लेट दिस वन गो, है ना, और इसको जाने दो यार, यार नहीं हो पाएगा भाई इतना। एक कैश टेबल ला रहा हूँ मैं बिकॉज जितना गया है उतना वापस भी तो लाना है भाई। क्या हालत हो चुकी है यार। किंग जैक जैम ही था वो, मतलब कुछ था नहीं उसमें यार। और ओके दैट्स फाइन, बाजी में कैश टेबल में बड़ा दिक्कत है यार गाइस, ये ठीक करना पड़ेगा इन्हें। चलो सैटी से तो अपन हो चुके हैं बाहर, वहाँ पे किंग जैक जैम करना ही था मेरे को और कुछ खास ऑप्शन था नहीं मेरे पास। बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, करते हैं अपन। ओके ओके पॉकेट एसेस है यार तुम्हारे भाई के पास, लेट्स गो फॉर अ रेज। अंगद ने कर दिया है कॉल, चलो अंगद भाई। अरे यार जैक ही आना था, चलो कोई बात नहीं, छुटको छुटको पॉइंट ही सही।
कुछ तो मिला। नाउ हेयर आई हैव 3 4, सो मैं लिख लूँ क्या यार गाइस आपके लिए कि कौन सा कैश टेबल है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या। चार की वॉचिंग आ रही है यार, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। A7, yeah, I can play A7, सिंगल जैम ना करे बस। सो yep, गोइंग फॉर कॉल। ओके जैम कर दिया, सो नाउ आई कैन फोल्ड। सो ये लिम्प करने का रीज़न ये था क्योंकि सिंगल जैम कर सकता था और जैम के अगेंस्ट आई हैड टू फोल्ड माई A7। ओके दिस इज अ 3-वे जैम। किंग जैक, ओके किंग जैक हैव सम चांस हियर। Ace9 आल्सो हैव सम चांस। नो Ace10 वॉन दिस वन। ओके ओके दैट्स फाइन। ओके 4-8 4-8 4-5-6, I have a straight draw now, so I can call. Let's see, he decides to bet again. Now I think I can fold this one easily. Okay, single jam, he calls. जाने दो भाई इनको, लड़ने दो भाई। अपने को क्या करना है भाई, अपने को अपना गेम खेलने का है, इनकी लड़ाई में नहीं घुसेंगे। ओके वापस से यही तीन बंदे भाई, किसी पे एस तो पक्का है भाई, लिख के ले लो मुझसे। ही जैम किंग जैक वर्सेस नाइन। नाइस नाइस नाइस। ही नीड अ 10। नोप नो 10 एंड गो पर्स, क्या लिखा है, गोप CRPF 07 को मिल गया बहुत ही बढ़िया सा पॉट। एंड यप रीबाई पे रीबाई डालने जा रहा है सिंगा, और यार बंदे हो चुके 2292। सो यप दैट्स फाइन, 1621 री एंट्रीज आ चुके हैं भाई। कितना पैसा, कितना अंधा पैसा बह रहा है भाई। लार्जेस्ट है कि 1,67,000 और अपने पे कितना है 24,000 भाई। अभी तो हम उसके जूती के बराबर भी नहीं पहुँचे। सो लेने पड़ेंगे यार, बड़े बड़े डेवलप्स लेने पड़ेंगे, जैसे अंगद भाई को उड़ाना पड़ेगा यहाँ से, रॉकी भाई को उड़ाना पड़ेगा, उड़ाने भाई काफ़ी बंदे उड़ाने पड़ेंगे यहाँ से, तब जाके मिलेगा डेवलप। किंग 4 ऑफ जस्ट हैव 4, कांट डू मच। यहाँ पे अपना फ्लश बन जाता। अब ओ भाई स्ट्रेट फ्लश था यार लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिलती। सो चलेगा भाई, चलेगा अपने को, सब चलेगा अभी। रॉकी रेज्ड एंड अनगट 4 बेट ड्यू 7 ऑफ बकवास कार्ड। सो अपने को करना पड़ेगा फोल्ड। यार कोई मस्त टूर्नामेंट मिल जाता ना यार खेलने को। पहले यहाँ पे पैसे इतने बड़े थोड़े यार, एक दो टेबल और खेलेगा। मैंने वो सैटी में ज़्यादा ही पैसे डाल दिए यार, आई थिंक सैटी में ज़्यादा हो गया शायद, छोड़ो जाने दो। ओके यहाँ पे क्या हुआ, A7 वर्सेस A10। ओके अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया यार बगाएगा। वैसे तो सभी शॉर्ट स्टैक्स है यहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही ओपन करने वाला हूँ मैं, बिकॉज जब इतने सारे शॉर्ट स्टैक हो तो कभी भी यार कभी भी ऑल इन जा सकते हैं, और आई डोंट लाइक कि हम किसी भी ख़राब कार्ड में ऑल इन जाए। बाकी यार 10 में 10 लखपति
आप लोगों का क्या चल रहा है गाइस? अगर कोई हमारी स्ट्रीम देख रहा है भाई, आप लोगों का क्या चल रहा है 10 में 10 लाख पति में? मैं एक सेकंड यार आता हूँ, वैसे तो इधर ही हूँ, मतलब आता हूँ, मतलब इन द सेंस कि जस्ट कमिंग। यार लाइक्स देख रहा था यार मैं अपने चैनल पे, और लाइक्स सिर्फ 5 लाइक्स हुए यार। थोड़े लाइक्स बढ़ा दो यार भाई, एटलीस्ट 10 लाइक्स तो पहुँचा दो यार गाइस, है ना। सो 10 लाइक्स अगर पहुँचा दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। गाइस यार 10 लाइक करवा दो यार, 10 लाइक यार भाई, बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ यार, 10 लाइक कर दो यार, बड़ा ही अच्छा लगेगा हमें अगर 10 लाइक हो जाएंगे ना, तो मज़े आ जाएंगे यार, मज़े। और एक सेकेंड ना, मैं क्या ढूंढ रहा था, हाँ पॉकेट 3 है अपने पास, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गोइंग फॉर अ चेक। ओके 2 एस 1 4, दैट्स एन इजी फोल्ड यार। ओके 5 6 सूटेड है यहाँ पे बटन से, आई कैन ओपन बट नोप। यहाँ पे अपन टाइट ही खेलने वाले यार, कोई जरूरत नहीं है भाई यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि यार देखो ना यार भाई, सबके पास शॉर्ट स्टैक है ना, तो कोई फायदा नहीं यार, कोई भी फायदा नहीं यार इतने शॉर्ट स्टैक्स के साथ फालतू में नन्ना मुन्ना बच्चा करने की, है ना। यहाँ पे क्योंकि कैश है यार वाले टेबल, सो कैश में भाई इतना वो नहीं, अगर क्योंकि देख रहा हूँ यार मैं सब इतने शॉर्ट स्टैक है, तो ये कोई फायदा नहीं है। 6 7 डिसेंट कार्ड्स, आई कैन कॉल समटाइम, बट सिंगा क्योंकि कभी भी जैम कर सकता है, कुछ भी 2 अच्छे कार्ड्स मिलेंगे वो जैम कर देगा, सो यप जाने देते हैं। और देवव्रत भाई आ चुके हैं यार हमारी स्ट्रीम पे, गुड लक ब्रो, थैंक यू देवव्रत भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। आज 1 लाख पूरा, बिल्कुल देवव्रत भाई आज 1 लाख पूरा ही कर देंगे भाई, 1 लाख पूरा आज ले ही जाएंगे अपन यार, बस आपकी दुआ साथ दे और हम जरा ढंग से खेलें। तो देवव्रत भाई यार आप स्ट्रीम पे बने रहिए और हमें जरा सा गाइड कीजिए, है ना, क्योंकि यार आपकी गाइडेंस के बिना कैसे यार, कैसे होगा 1 लाख। सो वेलकम देवव्रत भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। ऋषिक भाई का मैसेज आया, गुड लक, थैंक यू ऋषिक भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। और मनु भाई भी आ चुके हैं हमारे, मनु भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। यार मनु भाई भी डेली आते हैं यार हमारे स्ट्रीम में, बड़ा ही अच्छा लगता है। ओके हीरेज 2 13 बिग ब्लाइंड्स 8 9 सुटेड, अच्छे कार्ड्स है, बट ये वही वाली बात हो गई, और 13 बिग बैंक बहुत ज़्यादा है यार, आई डोंट नो यहाँ पे कॉल में भी बेटर रहेगा, बट स्टिल बहुत ज़्यादा है 13 बिग बैंक, सो यप इस बार जाने देते। बना बनाया स्टैक हम ज़ाया नहीं करना चाहते, क्योंकि यार वो 13 बिग बैंक कुछ सेंस नहीं बन रहा था। सडनली किंग 10 यहाँ पे भाई, कैश में तो जो मर्जी करेंगे अपन, कैश में कोई दिक्कत ही नहीं है आपके भाई को। अरे यार मैं क्या ढूंढ रहा था, ओके एक सेकेंड ना, ओके S9 वर्सेस King 3 यार, कॉल ही कर लेते पिछली बार ना, ये तो ऐसे ही निकला बंदा। King 10 ही चेक, ओके थोड़ा सा बैट करके देखते हैं। Pocket 3 आई एम गोइंग टू ओपन, क्योंकि अब तो सिंगा वैसा गेम प्ले नहीं दिखाएगा, वैसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी ना। नाउ आई हैव टू बेट पोलर कि अगर उस पर नहीं है तो वो भाग जाए, अगर उसने कॉल या री रेज किया तो फिर अपने को भागना पड़ेगा, बट नहीं भाई नहीं, अपन आज देवव्रत भाई से ट्रेनिंग लेके आए यार, ऐसे कैसे हम हारेंगे, है ना।
सो यप ओके सो 10 जैक सूटेड है, अच्छे कार्ड है और आई कैन रेज, बट द क्वेश्चन इज शुड आई रेज और शुड आई चेक. द आंसर इज आई शुड रेज, बस ये लोग वैसे भी कॉल करने वाले हैं तो क्या ही फ़ायदा. 10 जैक आई हैव 2 पेयर्स, बट किंग क्वीन होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा. ओके ही जैम. देखो भाई उस पे हो सकता है क्वीन किंग क्वीन डेफिनेटली, बट उस पे एस एक्स भी हो सकता है. अब वो जैम कर रहा है यहाँ पे, सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट क्योंकि अपने को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपन कर रहे हैं ना कॉल टू पेयर, किंग क्वीन मत दिखाना बस. ओके A7, यस A7 सोचा था भाई आपके भाई ने, बूम A7 सोचा था ना भाई, मैंने बोला था ना उस पे A7 हो सकता है, A7 से कर सकता है, किंग क्वीन भी हो सकता था, बट A7 से करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. और देखो भाई अंगद भाई को हमने धूल चटा दी यहाँ पे, देवव्रत भाई हमारे स्ट्रीम में आए, ऋषिक भाई हमारी स्ट्रीम में आए, मनु भाई हमारी स्ट्रीम में आए, उसके बाद तो भाई कमाल ही कमाल हो गया है ना. सो यार वेलकम वेलकम भाई लोग, यार आपके आने से यार इतना अच्छा माहौल बन रहा है. 51 पे आ गए यार 10 में 10 लखपति में, सोचिए यार 10 में 10 लखपति में 3000 बंदों में से अभी 51 पे चले, लेकिन यहाँ अभी शुरुआत है ना, अभी आगे. और ऐसी रीड्स लेनी है यार जैसे अंगद भाई पे लिए हमने, कि A6 हो सकता है. सो यप दैट वॉज अ गुड प्ले. और देवव्रत भाई यही हूँ लिख रहे हैं, यार यहीं रहिए यार, यहीं पे आपकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है. ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो. A6 आई कैन ओपन, बट चल यार थोड़ी देर खुशी मिली है, उस खुशी को पहले भुनाने देते फिर देखते हैं. लेकिन गाइडेंस मुझसे लोगे तो वही के वही रह जाओगे. अरे 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 यार ऐसे कैसे, यार ऐसे कैसे रह जाएंगे वहीं के वहीं, आगे बढ़ चलेंगे यार हम, आगे बढ़ चलेंगे. ओके कैश गेम में बागे चेक, यादव चेक, सो इतना इजी इनको आगे. अगर कोई फ्लश ड्रॉ पे है तो हम इतना इजीली फ्लश ड्रॉ नहीं देखने देंगे. अगर किसी ने कॉल किया मोस्ट प्रोबेबली वो फ्लश ड्रॉ पे ही होने चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर क्योंकि एक किंग तो अपने पास है, मे बी सम किंग एक्स हो सकता है. ही जैम डेट्स एन इजी कॉल. क्वीन 10 यप, क्योंकि शॉर्ट स्टैक था तो इससे एक्सपेक्ट कर सक. ओ भाई रुक जा. ओके बच गए बच गए बच गए बच गए भाई बच गए, क्योंकि RNG OP कभी भी हो सकता है ना. सो बच गए फिलहाल, बढ़िया है. क्वीन 10 जाने दो भाई जाने दो, आज मैं इतने पॉकेट एसेस भी आए ना तब भी फोल्ड मार दूंगा मैं. करेक्ट स्पॉटेड 3-3 वेल प्लेड. यार देवव्रत भाई यार बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपकी तरफ से तारीफ सुनने को मिली तो कितना ही बढ़िया लग रहा है. नहीं है ना, यहाँ पे डोटा गाय के लग गए और रॉकी और अंगद भाई ले गए पॉट, आधा आधा बंटवारा करके. ओ भाई अब यार इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, जस्ट गो फॉर रेज मैन एंड सी द तमाशा. ये तो वही बात हो कि पैसा फेंक तमाशा देख है ना. अरे यार लेकिन ये कॉल कॉल क्यों कर रहे हैं, अब भाई एस ना आ जाए बस फिर मैं तमाशा नहीं देख पाऊंगा. ओके जैक 6 ड्यूस फ्लश ड्रॉ पॉट है, जैक्स किसी पे होंगे इन दोनों में से तो जैम आना चाहिए. सो यप आई थिंक गोइंग पोलर इज फाइन, क्योंकि जैक किसी पे होने होंगे तो सीधे जैम आएगा. यप अनगत ने कर दिया जैम, मोस्ट प्रोबेबली जैक होना चाहिए इसके पास. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई होल्ड कर ले, होल्ड कर लिया होल्ड कर लिया, मजे आ गए भाई मजे आ गए. देखा ऐसे बुलाते हैं इन लोगों को हम उनके बिल से बाहर, बिल्कुल खींच के लाते हैं भाई हम. और जैक 9 आ चुका है भाई, इसमें तो अपन जाएगा ऑल इन. अगर अंगद जैम किया, अगर रॉकी आया तो फिर आई थिंक मुझे हट जाना चाहिए. लेट्स सी रॉकी नहीं आया सो आई थिंक इट्स एन इजी कॉल. रुक जाए यार फिर भी देख लो एक बार कितनी यार ये बेट कितनी है. 3 10 या आई थिंक आई कैन कॉल. यार कॉल करो फूल करो कॉल करो फूल करो. जैक 9 बहुत सारी इक्विटी है अपने पास, फ्लश ड्रॉस भी है, और क्योंकि वो प्रोबेबली टिल्ट कर रहा हो सकता है. बट यार पता नहीं मैंने क्यों फोल्ड किया, जैक 9 सूटेड वॉज द बेस्ट कार्ड मैन, पता नहीं क्यों मैंने फोल्ड किया यहाँ पे. और एस किंग के साथ तो भाई कोई भी आ जाओ भाई सबको लपेटेगा तुम्हारा भाई सबको.
ओके ही केम एंड दे नाउ आई एम गोइंग फॉर अरे यार भाई पॉकेट पेयर ओके एस नाइन चलो इससे तो अहेड है अरे यार उससे भी अहेड की ऐसी की तैसी दो पल में ही लग गए हमारे दो पल में भाई दो पल में दो पल की खुशी थी गाइस जो जा चुकी है एस किंग यार आई थिंक वहां पे जैम ही था मतलब रॉकी यार एस नाइन यार वो नाइन ही हिट हो गया भाई उसका दो पल की खुशी भी नहीं देखी गई यार बाजी वालों से मैं कितने पे चल रहा था लाइक 17,000 इसके पास है 24 भाई प्रीटी बैड मैन क्या ही करूं अब चलो जाने दो घुसा दो 10 जैक 10 जैक कौन सा लेन था याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी इनको लपेटता हूँ भाई मैं वापस रुको टेंशन मत लो गुड ऑन यो यो गुड कॉल विद जैक 10 अच्छा कौन सा वाला था अच्छा वो वाला हाँ यार वो अब आया ना आपके पास यार गुड कॉल तो ठीक है यार लेकिन उसके बाद देखोगे ना भाई लोग आप क्या हुआ मेरे साथ सो क्या ही बोलूँ 2.56 नॉट टू मच आई कैन कॉल ही चेक बैक दिस टाइम नाउ आई विल जस्ट गो फॉर अ चेक बैक लेट्स सी इफ ही बेट्स नाउ आई कैन ब्लफ हिम आई कैन ब्लफ बट कहीं उस पर 4 निकला तो अपने लग जाएंगे सो अभी जाने दो यार अभी वैसे ही वक्त ख़राब चल रहा है ना यार वक्त कितनी जल्दी देखा कितनी जल्दी हालात जज्बात पलट जाते हैं यार कृष्ण कुमार ने थम्सअप भेजा यार थैंक यू कृष्ण कुमार थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम यार यार वो जैक 10 वाले हैंड के बाद तो यहाँ वाट लग गई भाई क्या ही बोलूँ कितने 80 बिग ब्लाइंड्स लूज कर दिया मैं अब सबसे ज़्यादा रॉकी को लूज़ किया मैं रॉकी को ही दिया मैं ज़्यादा यार वो एस किंग वाला हैंड भाई जैम था वो यार गाइज आप लोग बताओ यार मतलब वो जैम था या नहीं था मतलब मेरे हिसाब से तो जैम था मतलब एस किंग क्यों नहीं यार क्यों नहीं 10 में 10 लखपति का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया का हाँ यार देवव्रत भाई ख़त्म हो गया उन्होंने 3,000 लिमिट रखी थी आज एंट्रीज की सो यप ख़त्म हो गया यार ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया यार कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया देवव्रत भाई मैसेज ही कर देते ना हम यार वहाँ पे यार भाई बहुत ख़राब लग रहा है मतलब वो स्पॉट में आई थिंक यार क्या थिंक यार वो फ्लिप था सीधी सी बात है एस किंग सूटेड जैसा है मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टर नहीं प्रीमियम हैंड फोल्ड नहीं कर सकता था ना सो चलो जाने दो और कैश टेबल पे एस 10 जीत रहा है सौरभ भाई 35 बिग बैंक्स ले गए राघव आई डोंट नो कुछ ओके राघव थोड़ा लूज खेलेगा यहाँ पे सो राघव को पॉइंट करके रखना पड़ेगा एंड यहाँ पे यार अपने को भी आई हैव 7 लेट्स सी ओके आई हैव टू कॉल कांट फोल्ड येट ओके नॉट टू गुड जस्ट अनदर कॉल ओके नाउ आई हैव 2 7 सो यप ही बैरल लेट्स गो फॉर अ जैम लेट्स सी क्या होगा ओके ही डिसाइड्स टू फोल्ड लेट्स फाइन मैं थोड़ा काम कर रहा था अभी देखा और ओवर अरे कोई नहीं यार कोई नहीं देख रहा था भाई अरे आज ही किया पता है क्योंकि पिछले वाले जो वीक था उसमें इश्यूज आ गए थे ना इसलिए इस बार इन्होंने कहा अपन 3,000 ही करेंगे अपने को इश्यू नहीं लिया और रॉकी अनगत की लगा दिया भाई लगा दिया अनगत भाई इससे बुरा तो तुम कभी नहीं खेले थे बहुत बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से रॉकी भाई ने लगा दिया अनगत के अब देखते हैं रिवाई करके कितना मिला देखो 13 बिग ब्लाइंड्स यार 13 बिग ब्लाइंड्स मिली है रिवाई करके सो क्या मिला भाई क्या मिला ओके नाउ आई हैव टू बेट यार 2.5 ही करते यार 3 3 वैसे 3 भी कर सकते थे ना अगर राघव ने कॉल किया तो मैं जैम कर दूंगा या बिकॉज इसके साथ कॉल नहीं लेना है
नाउ आई जस्ट होप कि राघव फोल्ड करे या फिर डिसाइड्स टू फोल्ड ए ओ ओ अरे यार उसका स्ट्रेट ही लग गया ना, 10 आ जा भाई। अरे यार मेरी जान कितना पैसा उठाएगा मेरे से अनगद, सेट भी लग गए जबकि हमारे यार सेट भी लग गए मेरे भाई, देख रहे हो ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे। पॉकेट ड्यूसेस यार ओके अच्छे ऑड्स मिल रहे हैं अपने को, तो एक कॉल ले लेते ना भाई। बूम गाइस एक कॉल, बस एक कॉल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सेट्स लगा सकते हैं वो एक कॉल। रॉकी रेस नाउ यार जाने दो भाई, जो कार्ड है आजा रॉकी ब्रो, चुम्मा चुम्मा ले ले मेरे से वस्तु, लेट्स गो लेट्स गो। अबे यार रॉकी ने फोल्ड कर दिया भाई, बस अब किंग मत आ जाना यार रॉकी। ओके बच गया अपन। ये रॉकी कितना फोल्ड करता है यार, कितना भाई कितना। दूसरी टेबल पे हैव जैक 10 भाई, रॉकी का फोल्ड है ना मैं कभी नहीं भूलूंगा, सोलो इतने सही फोल्ड्स मारे हैं ना इसने अभी तक। अब वहां पे मेरा रीजन था लेकिन ना गाइस, मेरा रीजन था वहां पे जैम करने का, क्योंकि अगर रॉकी फ्लश ड्रॉ पे खेल रहा हो तो मैं नहीं चाहता था कि वो फ्लश ड्रॉ पूरा करे, और यहाँ पे एस जैक जीत गया है। दूसरी टेबल पे हमारा फ्लश ड्रॉ है, गट शॉट स्ट्रेट ड्रॉ है, बहुत कुछ है यार आज तो भाई। बैट करेंगे अपन भाई, बैट करेंगे दिल खोल के। ओके मान सिंह ने जैम ही कर दिया भाई, सो 50 बिग ब्लाइंड्स का रिस्क है, क्या करे जय माता दी करे यार, ऐसा कुछ तुक्का भी नहीं देख सकते। ओके सो आई एम गोइंग फॉर अ कॉल, लेट इट बी एस 9 वर्सेस किंग, आजा भाई एक कार्ड। अबे यार अब तो गेम ही खत्म। अरे भाई आज पोकर देवता हमसे संतुष्ट है भाई, देख रहे हो गाइस कैसे यार तुम्हारा भाई कैसे कैसे बच रहा है, कैसे मजा ही आ रहा है यार, मजे। ओके मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया आज, नहीं तो पक्का जीतता। अरे यार क्या कर सकते यार देवव्रत भाई, नुकसान में चल रहे यार आज 1 लाख के, है ना, कोई बात नहीं यार देवव्रत भाई, कोई बात नहीं कल हो जाएगा मुनाफा। मुनाफा कहाँ भाग रहा है यार देवव्रत भाई, है ना, आज नुकसान कल मुनाफा यही है यार, हम टूर्नामेंट भी यही है। कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, मुझे पता है आज आप पक्का जीते, आज आप स्ट्रीम भी करते हैं मुझे ये भी पता है, और जीतते स्ट्रीम करते फिर हम पार्टी करते है ना, बट क्या ही कर सकते हैं, सैड लाइफ। और सैड लाइफ यहाँ पे हो चुकी है अनगत भाई की, क्योंकि सौरभ भाई ने उनसे बहुत ही प्यारा सा पॉट ले लिया है। ओके विपिन भाई का मैसेज, गुड लक ब्रो, वेलकम वेलकम विपिन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स फॉर योर गुड लक, बहुत ज़रूरत होती है इनकी यार गेम में। ओके पॉकेट 6 वर्सेस 9, 2 वर्सेस एस किंग, 9-2 जीत चुके लेकिन एस किंग को ज़्यादा फायदा हुआ है यहाँ पे, है ना। ओके दूसरी टेबल पे आई हैव फ्लश, ही चेक, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ स्मॉल बेट, मोस्ट प्रोबेबली ही विल फोल्ड। ओके ही कॉल्स, अरे यार ही चेक, आई विल चेक थोड़ा फंसाने के लिए, नथिंग एल्स। ओके लेट्स सी यादव क्या करता है, मोस्ट प्रोबेबली ही विल बैट। ओके ही डिडंट बैट, यार मुझे अब डाउट हो रहा है अगर यहाँ पे बैट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। A6, A5, A-Queen एंड दैट्स एन इजी पॉट फॉर A-Queen, नाइस मैन नाइस। सौरभ भाई के पास भी अच्छा खासा पॉट आ गया यादव। Okay, he decides to fold. That's fine. Thank you, Vipin bhai for joining the stream. अरे यार अपना फोन बज रहा है, एक सेकंड। देवव्रत क्या बताया था स्मॉल पॉकेट पे, बताया बहुत कुछ था यार देवव्रत भाई, आपने ऐसे स्ट्रीम पे हम रिवील नहीं करेंगे आपका ज्ञान, बहुमूल्य ज्ञान। सो लेकिन काम आ रहा है यही मैं कहना चाहूँगा। एक सेकेंड एक कॉल लेके आ रहा हूँ।
try to say, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Like sheep, move feet, hurt it easy. यार इस वो 9-10 में सोच रहा था कॉल करने की, यादव आ गया था, सो मैंने सोचा जाने दो भाई. जैसे यादव आया मैंने अपना मन बदल लिया. सो यप, आज वाली बुक पढ़ रहा था यार मैं, डैन हैरिंगटन की. वो टॉर्नी पे कोई थी यार, मेरे को आशुतोष भाई ने दी थी. मस्त है यार वो. आज कौन सा था मैं, चैप्टर 2 या 3 था, फिजिकल टेल्स पे. वो मस्त लगा था यार मेरे को, मस्त था वो भी. आज स्ट्रीम नहीं कर पाता, रीज़न आज रूम चेंज किया तो सेटअप नहीं है कंप्लीट. अच्छा, रूम चेंज किया है देवव्रत भाई ने, बढ़िया 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 देवव्रत भाई. ओके, हियर्स टू वन, आई कैन गो फॉर अ स्मॉल साइजिंग. क्योंकि इन सबका स्टैक है तो ऐसे फुलिशनेस तो नहीं करेंगे कि बिना बात के जैम 3-bet और वो सब चीज़ें. Let's see. Yep. आज स्ट्रीम नहीं, कल ही सही देवव्रत भाई, आपके लिए कल करा देंगे कोई लखपति टूर्नामेंट. लेकिन वो 10 में लखपति नहीं होगा, वो 10,000 में लखपति होगा. ओके. सो किसी ना किसी को तो ये बोर्ड फेवर करना चाहिए, बिकॉज किंग हाई हो सकता है किसी पे. ओके, अंगद गिल आए सामने, सौरभ ने भी कॉल कर दिया. अपना रहने का कोई खास मतलब नहीं है. दूसरी टेबल पे A8 वर्सेस A9 भाई, ये कितनी बैड बीट खा गया यार यादव. और यहाँ पे 2-4, चलो यहाँ पे तो कोई टेंशन इस नहीं है. सौरभ ने कर दिया जैम. अंगद गिल हैव टू डिसाइड, ही कॉल 4-6 मैन 7-8. वाह भाई, क्या भाई, क्या कॉल थी यार, लिटरली मतलब तारीफ कर रहा हूँ उसकी, वो नहीं कह रहा हूँ मैंने, क्योंकि याले एंड पे फोकस नहीं किया इतना, तो मैं कह नहीं सकता क्या चल रहा था यहाँ पे. बट यार आई थॉट कि किसी ना किसी में किंग तो होना चाहिए भाई, किसी में किंग नहीं था यार हम में से. तो काफ़ी अच्छा स्पॉट था, लाइक ये दोनों काफ़ी तगड़ा खेले भाई. सौरभ ने भी कुछ गलत नहीं किया यार, मेरे को नहीं लगता सौरभ ने कुछ गलत किया. और अंगद गिल में भी मूड में आया था कि मैंने कॉल करना ही करना है. सो चलो, और देवव्रत भाई का हो रहा है कमरा चेंज, सेटअप भी हो जाएगा कंप्लीट, फिर देवव्रत भाई के स्ट्रीम पे जाएंगे अपन आराम से, है ना यार. यहाँ बहुत ही ठंडा हो रहा है, मैंने आज टोपी पहनी तो नहीं है, लेकिन ठंडा फिर भी हो रहा है भाई बहुत. बाल देखो यार कैसे हो रहे हैं हमारे, इतना ठंडा है भाई यहाँ पे, नहाने का मन नहीं करता, क्या बताऊँ आप लोगों को. आप समझ रहे हो ये बिल्कुल मुँह हाथ नहीं धो रहा है, लेकिन भाई यहाँ ऐसा ठंडा है ना. यहाँ तो ब्रेक हो चुका है यार, सो एक ब्रेक ही लेके आते हैं. कैश टेबल पे भी मैं सिट आउट हो जाता हूँ थोड़ी देर, है ना. ब्रेक के बाद मिलते हैं यार गाइस आपसे. सो कहीं मत जाइएगा यार हमारे दर्शक, यार आज मुझे अच्छा लग रहा है यार, कितनी भाई आज मैंने लाइक कहीं पे ज़्यादा शेयर भी नहीं किया यार, 5 की वॉचिंग आ रही. सो कहीं जाइए मत यार, मतलब अगर मानोगे तो. देवव्रत बट खेल रहे हो ना, अरे देवव्रत भाई आज नहीं खेल रहे यार, ये 10-10 लखपति तो नहीं खेल रहे. नवीन भाई आप खेल रहे हो क्या 10-10 लखपति? यार मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ ना, थोड़ा 3 मिनट का ब्रेक है, सो मैं भी छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ. कृष्ण कुमार अपनी टूर्नामेंट्स विनिंग दिखा दो ब्रो. ब्रो क्या करोगे यार टूर्नामेंट विनिंग देख के. भाई मैंने लिटरली यहाँ टूर्नामेंट्स, यार मैंने
मैं मतलब खेलता ही नहीं यार टूर्नामेंट्स में, कितनी बार बताऊँ आप लोगों को, मैं मतलब लिटरली मैं बहुत ही ना के बराबर टूर्नामेंट्स खेलता हूँ यार, सीरियसली मैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं लिटरली बहुत ही कम टूर्नामेंट्स खेलता हूँ और ना के बराबर यार। सो टूर्नामेंट विनिंग देखोगे ना भाई आप हंसोगे खाली, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं एक टूर्नामेंट जीता हूँ, मतलब जीता भी क्या हूँ, उसमें थर्ड आया था आई थिंक, और वो फ्री रोल टूर्नामेंट था, एक 20K फ्री रोल। सो भाई टूर्नामेंट विनिंग यार प्लीज़, अभी हाथ जोड़ के विनती है कि अभी मत पूछो है ना, एक बार कोई बड़ा इवेंट मार लूँ ना यार भाई, मतलब एक बार कोई बड़ा इवेंट जीत लूँ ना यार, फिर भाई शौक से दिखाऊंगा यार टूर्नामेंट विनिंग। सो उससे पहले यार प्लीज़ सॉरी है, मतलब प्लीज़ क्या बोल रहा हूँ, मतलब सॉरी अभी तो नहीं दिखा सकता टूर्नामेंट विनिंग, क्योंकि अभी तक कुछ जीता नहीं हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट कुछ बड़ा क्या, कुछ छोटा तक नहीं जीता हूँ यार, जस्ट वो फ्री रोल वाले टूर्नामेंट्स, और मैंने बाजी पे खेला क्या है, एक 50K वाला खेला था, उसमें भी मैं आई थिंक 23rd के आसपास आया था समथिंग, जिसका प्राइस पूल 97 के हो गया था, तो उसमें ही थोड़ा बहुत जीता था बस यार, और कुछ खास मैंने बाजी में तो खेला नहीं है भाई। तो कृष्ण कुमार भाई सॉरी, बट यार अभी अभी रिसेंटली टूर्नामेंट स्टार्ट किया, सो इतना ज़्यादा खेला नहीं है ना, तो समझ सकते हो यार भाई, थोड़ा बहुत काम चला लो अभी है ना। तो यार 4 की वॉचिंग आ रही है यार गाइस अपनी, बहुत बढ़िया भाई, आज बहुत ही बढ़िया, मैं शेयर भी कर देता हूँ यार है ना। ओके, पहले मैंने सोचा ब्रेक ले लिया जाए, लेकिन फिर something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got
got nothing, I'll keep hustling. ओके सो ब्रेक हो चुका है ख़त्म एंड किंग सिक्स ऑफ सूट कर लेते हैं फोल्ड. ओके ये पॉट ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया बन चुका है भाई. सो एस वाला तो अब लगभग ले ही जाने वाला है एंड यहाँ पे भाई वापस आ जाते हैं कैश गेम में भी. कृष्ण कुमार भाई का मैसेज आया. ओके 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 कृष्ण कुमार भाई किंग क्वीन. ओके हाई कार्ड में ले गया भाई राघव. सो ओके थोड़ी बहुत तो रीड मिली इस प्लेयर के ऊपर. ओके मैं इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ ना. सो आई थिंक थोड़ा इनका बहुत सोचना पड़ेगा. थ्री फोर ऑफ सूट कुछ नहीं करना, सिर्फ करना है फोल्ड. इंद्रजीत ने अटैक किया है यार. देखो वैसे पॉट में कुछ है नहीं सो ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाना है तो कर देंगे हम फोल्ड. एस क्वीन वर्सेस एस टेन हुआ. एस क्वीन वाले को भी मिला बढ़िया पैसा, एस टेन वाले को भी मिला बढ़िया पैसा, सबको मिला पैसा ही पैसा. अंगद भाई को नहीं मिला बस. तो अंगद भाई अब आप अपने दांत मलते रहिए, क्या ही कर सकते हैं है ना. ओके देखो 3000 एंट्रीज हुई है, 3063 री एंट्रीज. आई थिंक री एंट्रीज में रीबाई भी आ जाते हैं. सो 3000 रीबाई सोच रहे हो. अंधा पैसा भाई अंधा पैसा. कितने हो गए होंगे यार 6000 इंटू 10 कितना होता है. 6000 इंटू 10 कम नहीं होता है बट बहुत हो जाता है. मतलब कम कम कहने की बात है, कम है बहुत ही हो जाता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा. ओके आई हैव टॉप पेयर हियर जस्ट गोइंग फॉर स्मॉल बेट. मैं जरा एक दो जगह पोस्ट मार देता हूँ ना यार. कोई मित्र हमारे अगर छूट गए हैं जो कि स्ट्रीम तक नहीं पहुँचे. ओहो सोहार्द भाई आ चुके हैं हमारे. यो ब्रो लिखा है सोहार्द भाई ने और यहाँ पे आई हैव अपर हैंड मोस्ट प्रोबेबली सो यप गोइंग फॉर अ बेट. पूरा ही अंदर ले लेते ना इसे. 9-6 सो क्या ही करे. खेलना तो है ये पॉट. अब इतना आके भाई वापस कहीं जाना है नहीं. किंग ड्यूस ओके फ्लश ड्रॉ पे खेल रहा था. दैट्स फाइन. कि क्वीन टेन वर्सेस जैक नाइन. अब क्वीन टेन कैसे जीता. ओ ओ फ्लश से. नाइस 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 बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया. क्वीन जैक आई कैन ओपन हेयर. अंदर जैम करेगा तो डेफिनेटली आई हैव टू कॉल मैन. नो द चॉइस. सो व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा ही बच रहा. ओके यहाँ क्वीन फाइव तो फोल्ड मार दूँ मैं. सोहार्द भाई वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम यार मेरे भाई. कैसा है मेरे भाई, क्या चल रहा है. ओके हियर इजी कॉल मैन. नो नीड टू रेज हियर. 7-5 ही चेक. आई एम गोइंग फॉर अ बेट. ही कॉल उसका तो पता ही था. जस्ट होप एस ना हो. 10-9 चलो वी आर अहेड. ओ भाई जिता दे. ओ भाई ओ भाई ओ भाई. रॉकी कह रहा नाइस हैंड. रॉकी भाई यार ऑफ कोर्स मैन ऑफ कोर्स. अभी हमें यार प्रोफेशनल टिप मिली है.
ओके एक जगह पॉकेट फोर एक जगह पॉकेट एस, इसमें तो जस्ट मैं लिम कर रहा हूँ हेयर आई थिंक बस फोर के लिए रेस कर लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा नहीं, चांस देते हैं ना यार उनके भी। ओके सो यार गुड लाइक ने जैम किया, सो मोस्ट प्रोबेबली फ्लिप ही है, बट आई थिंक कि नहीं जाना चाहिए, 24 बिग ब्लाइंड स्टेज में काफ़ी है। सो यार पॉकेट ड्यूस वाज़ ए पॉकेट फोर, ओके दैट्स फाइन। ओके ओ भाई जीत जाते बट यार स्टिल मतलब यार देखो ना यार बोर्ड कितना डाइसी आया था, तो मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती थी, मतलब पॉकेट फॉर आई डोंट थिंक कि जाना चाहिए था। सो यार आई वाज राइट देयर, किंग जैक सूटेड है। सो यप भाई क्यों नहीं, भाई क्यों नहीं, एक रीज़न ऐसा हो जिसके वजह से हमें रुकना पड़े, है ना, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है भाई, अपन जाएंगे फुल ब्लास्ट से। किंग क्वीन वर्सेस एस चैन दैट्स फाइन, क्या हो रही है मतलब, अच्छा इस पर ब्लाइंड सी नहीं था। ओके नाउ वी हैव किंग क्वीन ऑफ सूट फ्रॉम बिग ब्लाइंड। ओके यहाँ पे यादव ने कर दिया जैम, भाई कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे कॉल करने के अलावा, क्योंकि व्हाई नॉट, अबे यार किंग क्वीन फ्लिप में ले लेता यार, बट रॉकी भी है पॉट में सो जाने दो। ओके क्वीन नाइन वर्सेस किंग जैक, चलो कोई ना, यहाँ पे तो फ्लिप हार गई, एस जैक वर्सेस किंग क्वीन, यप बोला था यार रॉकी है ना भाई, अगर रॉकी नहीं होता डेफिनेटली मैंने कॉल कर दिया होता, बट रॉकी था तो अपने ने सोचा यार क्यों भाई क्यों पंगे लेने बिना बात के किंग क्वीन में, क्योंकि यार मतलब मे भी हम अगर कॉल करता वहाँ पे मे भी मैं ब्लफ कर सकता था उसे डेफिनेटली, जैसा वो बोर्ड आया था मैं ब्लफ करता उसे और मोस्ट प्रोबेबली मुझे वो बोर्ड मिल जाता। सो यप बट यार क्या ही कर सकते हैं, है ना, कितनी री एंट्री करेगा बे, एक लाख मैं लिखता हूँ, एक लाख नहीं नहीं अरे कितना है, एक लाख लिखो भाई एक लाख लिख, अरे यार किसने ऑल इन डाल दिया, चलो छोड़ो एक लाख नहीं लिख पाएंगे हम। एंड एक सेकेंड हाँ गाइस, यार एक सेकेंड 63 पर अटक से गए ना, जीतेंगे कोई बात नहीं, अभी जीतेंगे गाइस जीतेंगे, जब तक अनगद भाई है टेबल में तब तक हम जीतेंगे। ओके पॉकेट ड्यूस आई विल ओपन डेफिनेटली, इफ यू जैम आई विल कॉल डेफिनेटली, कहीं जाने का ही नहीं है भाई, कहीं जाने का ही नहीं है, अब जाने का है, आई थिंक फोल्ड कर सकता था क्या वहाँ पे, पता नहीं यार आई डोंट नो। पर यादव लाइंस दे दी यार, आई थिंक सो यादव ने किया चेक, हम भी चेक करते हैं ना भाई, लेट्स सी यादव क्या सोच रहा है यहाँ पे,
ओके क्वीन सेवन जस्ट आउट ऑफ फोर भाई, थोड़ा सा डाउन आ गए हम 57 पे। और रॉकी को देखो यार, ओके यादव ने यहाँ पे बैट किया, आई विल कॉल, लेट्स सी, ही माइट हैव सम, यार किंग होता तो इतनी यार, बट वो लियोर भी कर सकता है टू मी चेक रेज, आई थिंक किंग हो सकता है उस पर, लेट जस्ट कॉल, ओके क्वीन सिक्स था यार, उसने इतने प्यारे पॉट आउट्स दे दिए, मुझे लगा कि सोच रहा होगा कुछ, ओके 9-5 भाई, अनगद फिर जीत गया, अनगद नहीं आता भाई, अनगद नहीं आता, अब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आने लग गई यार गाइस हमारे लिए, है ना, 57,000 है भी अपने पास, बट स्टिल यार थोड़ी सी दिक्कतें तो आ रही है गाइस, टू बी ऑनेस्ट थोड़ी दिक्कतें आ रही है, फॉर सौरभ यार भाई 5 की वॉचिंग आ रही है यार, बहुत ही बढ़िया यार भाई, लोग आप लोगों का सपोर्ट यार क्या ही बोलूँ यार मैं, मतलब मज़ा ही आ रही है यार भाई, सीरियसली थैंक यू यार, थैंक यू गाइज, अभी थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ अच्छा खेलूँ, है ना, थोड़ा सा गेम पे करता हूँ मैं फोकस, टेंशन मत लीजिए आप, ख़राब नहीं जाने देंगे आपके ये समय, अभी 151 पोजिशन पे है, 1112 बंदे बचे हैं, सेवन टुक दिस वन डाउन वेरी 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 इजीली, सो रॉकी भाई बढ़िया बढ़िया खेल रहे यार, बहुत बढ़िया खेल रहे, 7 की वॉचिंग यार, मजा आ गया गाइस, मजा मजा मजा, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड फ्रॉम हियर ऑन। अब यार देखो अनगत ने तो जैम ही करना है, पोकर ने भी जैम ही करना है, और दीपेश भाई आए हमारे, इन्होंने भी जैम ही करना है, इनका गेम पुश फोल्ड वाला रहने वाला है, सो 6-5 ऑफ सूट, आई डोंट थिंक आई शुड गो इन द पॉट, पोकर किंग के पास हैंड होगा तो जैम है ये, अगर नहीं होगा तो फोल्ड है, ओके क्या हो गया भाई, पोकर किंग सो गया के सारा टाइम बैंक आज ही यूज कर देगा, पोकर किंग गए ऑल इन, सौरभ भाई ने किया है रेज, रॉकी 4, एस 3 वर्सेस क्वीन ड्यूस, नाइस मैन, नाइस नाइस नाइस, यार अभी के हिसाब से देखा जाए तो वन पेयर की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, क्योंकि ऑल इन वाला टाइप का पॉट है ये बैट, लेट्स सी जैम कर दे क्या क्वीन 10, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, सो आई थिंक 3-bet और जैम विल बी गुड, मोस्ट प्रोबेबली 3-bet शुड बी गुड हेयर, बट क्वीन 10 इज नॉट टू गुड फॉर मैनी थिंग्स,
इज गोइंग फॉर अ कॉल. आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे जैन वुड बी बेस्ट. यार मैं क्या कर रहा हूँ ये. भाई सीरियसली मैन मैं क्या कर रहा हूँ यार. क्विंटन भाई अबे यार ये तो बहुत ही शिटी स्पॉट हो गया. मतलब क्या किया यार मैंने वो सीरियसली. मतलब आई डोंट नो मैन. मतलब वो भाई पूरा फकअप किया मैं. आई कैन से डेट फॉर श्योर. कोई बात नहीं. बहुत ज़्यादा नहीं हारा यार मतलब चिप्स. बट स्टिल वो पता नहीं यार मैंने क्या किया मुझे. मतलब सीरियसली मैं खुद रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा अपनी ही बात का. I don't know man. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. वहाँ पे या तो शव ही करना था ना मेरे को. अब अनगत को देखना ही भूल गया. To be honest मैं यहाँ पे अनगत को देखना ही भूल गया. वरना मैंने यहाँ पे शव कर देना था पता है. और किंग टेन आई थिंक फोल्ड होता. फिर किंग टेन फोल्ड होता मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में. क्योंकि जिस हिसाब से मेरा स्टैक था जिस हिसाब से उसका स्टैक था सो वो फोल्ड करता. बट चलो कोई ना. अब यहाँ पे यार थोड़ा स्टैक बनाना पड़ेगा भाई. 6 जैक 7 8 5 ओके. जैक 7 took this one down easily. यार एकदम से सडनली वॉचिंग गिर गई यार भाई लोग हमारी. दैट्स नॉट गुड मैन. एक ही खराब प्ले किया यार. मतलब इतनी बड़ी सजा. इतनी बड़ी सजा गाइस. इतनी बड़ी सजा. कोई बात नहीं. लेट्स सी यहाँ पे. ओके चेक चेक. आई एम गोइंग फॉर अ बेट. फोल्ड ही होना चाहिए. ओके दैट्स फाइन. यहाँ पर गेम चेंज करना पड़ेगा अपना. अभी थोड़े चेक्स डालने पड़ेंगे मेरे को. ओके लेट्स सी. ये खेला ना राघव ने मस्त वाला. अरे यार यहाँ पे जैम तो नहीं करना चाहिए था राघव को. देख रहे हो गाइस देख रहे हो. अभी सोचो अगर हमने गलती से मिस क्लिक करके कॉल कर दिया होता तो क्या ही मजे आ जाते हमारे. यार ये जैम मारने वाले ना सो कोई फायदा नहीं. 7-6 खेल गया. खेलो तो ऐसा हैंड खेलो जिसमें चांसेस भी हो थोड़े बहुत. पोजीशन हमारी यार सरकते जा रही है. 182 पे आ गए भाई लोग. 55,000 ही रह गए भाई. पैसा कम होए जा रहा है. A6 वर्सेस किंग 9. चलो चलो चलो. A6 ahead and A6 took this one down very 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 easily. 7-3 क्या करे. 7-3 रॉकी वेरी लूज. हाँ मनु भाई वो मैंने नोटिस कर लिया. रॉकी लूज है. वही ना राघव ने किया ना अभी वहाँ पे जैम. सो मैं उस टाइम भी वही सोच रहा था जब यहाँ पे बोर्ड चल रहा था कि या तो जैम करूँ. मतलब कॉल सेंस बन नहीं रहा था यार वहाँ पे. और जैम मैंने इसको कंसिडर करते हुए नहीं किया सोचा था अंगद को. सो मैं हारता वहाँ पे. बट स्टिल मेरे को रॉकी और राघव की ब्लाइंड्स मिल जाती. तो हाँ थोड़ा बहुत ख़राब खेला मैं वहाँ पे. आई नो. अबे यार कितना रिवाइव ले गया भाई. कितना रिवाइव ले चुका है बंदा. सीरियसली भाई ये जब तक ये रिवाइव का ऑप्शन नहीं चले आता ना भाई तब तक भाई ये नहीं जाने वाला. पॉकेट 3s आई कैन टेक चांस. बट यार जाने दो जाने दे
थ्री बेड भी कर सकता हूँ ना मैं, जाने दो छोड़ो। क्वीन सेवन वर्सेस सेवन सिक्स हो गए, क्वीन सेवन अहेड, क्वीन सेवन अहेड, क्वीन सेवन टुक दिस वन डाउन। चलो 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 लेट्स गो। विपिन भाई का मैसेज आया कुछ, विच टूर्नामेंट इज दिस? विपिन भाई दिस इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट विथ स्मॉलेस्ट एंट्री फीस एंड वी आर गोइंग टू विन दिस वन। जय माता दी ऑल इन, लेट्स गो। देखा 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 भैया, पॉट इज स्टीलिंग ब्रो, चालाकी चालाकी। ओके सो यप यप यप। विपिन भाई का मैसेज, विच टूर्नामेंट इज दिस? ब्रो दिस इज 10 रुपए में लखपति, नहीं 10 लखपति, और 11th वाले को भी प्राइज है। हाँ उसको फ़ोन मिलेगा भाई, प्यारा प्यारा वन प्लस नॉर्ड, हम तो खुश है भाई, कुछ भी मिल जाए यार, बट उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी गाइस, बहुत ही मेहनत और बहुत ही ज़्यादा लक। मतलब कि आप कह सकते हो यार, इतनी सारी मेहनत और इतना सारा लक। अब पेशेंस बहुत चाहिए और मतलब काफ़ी चीज़ें चाहिए यार इस टूर्नामेंट में। तो अनगत भाई जैसा बैंक रोल चाहिए जो कि हर 2 मिनट में पैसा डाल रहा है। एक टाइम पे ही मुझसे भी ऊपर चल रहा था यार, अच्छा खासा स्पॉट पे था, पता नहीं क्यों। मतलब आई थिंक रॉकी को दिया था ना, राघव को दिया शायद अपना स्टैक। राघव के पास 98,000 का स्टैक है भाई, हम उसके लगभग आधे। कोई बात नहीं, करते हैं कुछ, करते हैं कुछ। एंड वेलकम यार, वेलकम गाइज, वेलकम टू द स्ट्रीम। जितने भी लोग नए आए हैं, पुराने हैं, सब भाई लोगों को हमारा तहे दिल से शुक्रिया। और हम बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं यार ये टूर्नामेंट को शिप करें, लेट्स सी यार कर पाते हैं या नहीं। कोशिश पूरी है भाई, कोशिश पूरी है ना, एंड कोशिश पूरी है यार भाई। ओके इस 5 वर्सेस किंग क्वीन, नाइस वन भाई। सौरभ भाई ने लपेट लिया भाई, लपेट लिया रॉकी को। देखे यार पिछला कैसे लपेटा यार, मैंने एक्चुअली देखा नहीं। ओके लेट्स सी, एक सेकंड गाइस। रॉकी ये तो लग गए भाई, लग गए। रोहित कोहली जी आए हमारी स्ट्रीम पे, हेलो हेलो रोहित भाई, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो रोहित भाई, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम भाई, वेलकम रोहित भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम मैन। आज हम खेल रहे हैं यार 10 रुपये में 10 लखपति, और देखते हैं यार क्या हम लखपति बन पाते हैं या नहीं, है ना, लेट्स सी। वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम रोहित भाई, वेलकम वेलकम। और यहाँ पे स्ट्रेट लग गया है, बहुत ही बढ़िया। सौरभ भाई ऑन फायर मैन, सौरभ भाई तो यार 178 बिग ब्लाइंड्स पे पहुँच चुके हैं। अब सौरभ भाई से ही उनका स्टैक लपेटना पड़ेगा क्या? अब यार एक रीबाई बंद करवा दो कोई भाई, रीबाई बंद करवा दो। रीबाई पे रीबाई लिए जा रहे बंदे यार, लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे। Pocket six, yep. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. ओके पॉकेट ए से, ओह सही वक्त पे, देखा गाइस सही वक्त पे रॉकी भाई ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। लेकिन अच्छा सिबॉल है रॉकी, सिबॉल है, अंगत ले गया। जैसे ही रॉकी को लगा यहाँ तो अपने को ट्रिपल चौपल अप मिलेगा, लेकिन वैसे ही अंगत कहा रुको जरा सबर करो। Oh.
ओहो क्या लिखा है, ओहो मैं लेट हो गया, स्पार्टन पे बिजी था लास्ट वीक। रुको एक सेकंड, हैंड दिख रही, किंग सैन वर्सेस, ओहो ओहो ये तो अपन जीत रहे थे भाई। यार रीबाई जब तक खत्म नहीं होता तब तक गेम बहुत लंबा है अभी। अब यार कोई ना फ्लिपी था। ओहो मैं लेट हो गया, स्पार्टन पे बिजी था लास्ट वीक से सोच रहा था इसको खेलने के लिए। इट्स ओके, नेक्स्ट वीक गुड लक टू यू। थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू फॉर योर वेल विशेस। और कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट वीक खेल लेना यार, हर वीक है भाई, है ना। स्पार्टन वाला टूर्नामेंट जो भी खेल रहा हो वो जीतो भाई, और ये भी आप जीतोगे, टेंशन नॉट, जब भी खेलोगे, है ना। एंड एस नाइन वर्सेज किंग टेन, एंड किंग टेन टुक दिस वन डाउन। और सौरभ भाई तो भाई ऑन फायर। अरे यार ये मैसेज गलत मैसेज लिख रहे हैं। मन्नू भाई का मैसेज आया लॉल 3-3। थ्री थ्री वाली हैंड की बात कर रहे हो क्या यार मन्नू भाई? यार लॉल 3-3 मतलब कितनी बार हमें लॉल 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 कहना चाह रहे हो आप? ओके ही बैट्स 2.5, दैट्स फाइन, आई कैन फोल्ड। मतलब आई शुड हैव डिफेंडेड माय ब्लाइंड्स, बट चलो चाहने भी दो। ओके ए सेट डिसेंट हैंड, अंगद अगर ऑल इन ना जाए तो आई कैन डेफिनेटली प्ले दिस वन। आई कैन इवन गो ऑल इन विद दिस अगर राघव को हमें पॉट से हटाना है तो। सो यप गुड ब्लफ। कौन सा लैंड कर रहा है मनु भाई? अच्छा वो हाँ पॉकेट थ्री, आप समझा, मैं आप समझा, सब आपसे ही सीखा यार, आपकी ही राय काम आ रही है। ए सीट में सोच रहा हूँ कैसे खेला जाए, क्योंकि पोकर किंग और रॉकी का तो जैम आने वाला है। सो द मेन इशू हेयर इज राघव। तो राघव के पास मोस्ट ऑफनली बहुत अच्छा, अरे यार सौरभ भी इशू है। सो अगर इन दोनों को बाहर निकालना है स्पॉट से तो आई हैव टू गो ऑल इन, और कोई खास ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास टू बी ऑनेस्ट, अगर इन दोनों को पॉट से बाहर निकालना है। अगर नॉर्मली ये पॉट खेलना है इसके सीट से वैसे मैं खेल सकता हूँ। सो काफ़ी सारी चीज़ें यार इस पॉट में, ही शोव्स, दैट्स फाइन, आई हैव टू, और भाई इस इट ही कॉल्स, दिस इज इट फॉर अस, जय माता दी ऑल इन, लेट्स होप सौरभ अब यार कॉल करती है। क्वीन जैक इज इट, ओके 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 गाइस, 10 में 10 लखपति बनने की ओर हम बढ़ चुके हैं भाई। सौरभ भाई कैसा लगा, आ गया स्वाद यार। यहाँ पे इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा आशुतोष भाई को, जिन्होंने परसों कुछ बहुत मस्त बात कही थी। अब वो बात तो मैं सबको नहीं बताना चाहता भाई, मैं नहीं चाहता सबकी ऐसी किस्मत चल जाए, लेकिन यार मतलब फ्लिप था आई नो, बट एस एट नहीं, आई थिंक किसी का कमेंट आया था यार आज कि मतलब एस नाइन एस एट जैसे हैंड्स अगर नहीं खेलोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा, मतलब कुछ आया था ऐसे अच्छा सा कमेंट। सो वही याद आया यार अभी मेरे को, मैंने कहा भाई सौरभ, वैसे मैं फोल्ड के लिए जा रहा था बट उसने कॉल किया तो मुझे लगा कि यार आई थिंक पंगे में हो सकते हो, बट भाई क्वीन जैक सूटेड था उस पर यार। नाइस मैन, नाइस 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 बेबी। गाइस पोजीशन देखो, गाइस पोजीशन देखो भाई, एक बार बस पोजीशन देखो यार, 18th पे है। सो आई हैव टू लाइक यार, आई हैव टू पुश माई सेल्फ, और लपेटना पड़ेगा यार सबको भाई लोग। सो यार कीप सपोर्टिंग यार, मतलब लाइक अभी मैं जीता नहीं हूँ बट यार अभी करना है भाई, अभी बहुत कुछ करना है आगे इस टूर्नामेंट में। सो अभी बहुत बचे, 884 बंदे बचे हैं, टॉप 10 आना है इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैन, बट क्या बोलते हो नेक्स्ट टू पॉसिबल, नेक्स्ट टू पॉसिबल आई डोंट नो। सो बट यार भाई वो ये सेट भाई लिटरली यार काफ़ी तगड़ा है एंड भाई,
गुड ब्लफ, सौरभ कॉल्स विथ लॉट ऑफ वीक एसेस। हाँ भाई, मतलब वही मेरे को पता था ना कि वो काफ़ी सारे वीक कार्ड से भी कॉल करेगा, और आई जस्ट होप्ड कि वहाँ पे उसके पास कोई बेटर एस एक्स हैंड ना हो, बट फॉर्चुनेटली उस पर नहीं था, क्वीन जैक सूटेड था उस पर, एंड वो वी टुक डेट वन डाउन, और अभी 19 पोजीशन में चल रहा है यार गाइस। शो सो मतलब शो नहीं, सो शो सम सपोर्ट यार, है ना, इफ पॉसिबल लाइक कर दो यार। वन लैक बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे ब्रो जीटीडी मीट करने के लिए। हाँ भाई, ये बात तो है यार, 1 लाख बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे जीटीडी मीट के। ओके, इस क्वीन वर्सेस इस किंग हो गया कैश टेबल में, और क्वीन लग चुके हैं, ही नीड अ किंग और अ 10। नोप, कुछ भी नहीं आया, और संजू डबल अप कर गया। एंड यप, लेट्स गो। वेपन भाई बात तो सही कह रहे हो यार, 1 लाख बुलेट्स फायर करनी पड़ेंगे ना। अभी बुलेट्स फायर कितने हुए, 3000 एंट्रीज, 4274 एंट्रीज, तो यार बात देनी पड़ेगी यार, बाजी है। गलत ही टूर्नामेंट निकाल दिया भाई। मस्त यार, मस्त, मतलब लेट्स सी। कृष्ण कुमार भाई का मैसेज यार, नाइस है ना कृष्ण कुमार भाई, यार नाइस हुआ ना यार, जीते तो नाइस हुआ, हारते तो खराब लगता, बट आई डोंट थिंक कि मुझे वो डिसीजन काफ़ी ख़राब लगता। सो यप, इट वाज नाइस। और इज्जू को लग गई बैड बीट रिवर पे, स्कूबी डू स्कूडी बू टुक दिस वन डाउन, एंड यप, इट वाज नाइस मैन। किंग 7 मे बी आई विल प्ले, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट कंसिडरिंग हिज स्टैक साइज, ही रेज टू 3 बिग ब्लाइंड, सो ही इज रिप्रेजेंटिंग सम स्ट्रॉन्ग हैंड्स मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज इस टेबल में अभी तक मैंने खेला भी नहीं है। तो अगर इसके स्ट्रॉन्ग हैंड को लेट डाउन करना है, तो इधर आई हैव टू 3 बेट, और अब 3 बेट सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि इज्जू या तो फोल्ड करेगा या फिर ऑल इन ही जाएगा 3 बेट में। सो आई थिंक हेयर आई कैन जस्ट लाइक फोल्ड। अभी 21 पे चल रहे, 866 बंदे अभी भी बचे हैं, सो यप दैट्स फाइन। दूसरे टेबल में आई हैव किंग 10 ऑफ सूट, आई कैन ओपन फ्रॉम दिस ब्लाइंड। मैंने ही किया था वो कमेंट, मर जाऊंगा बट AQ सूटेड फोल्ड नहीं करूंगा। अरे नहीं, आपका तो याद है मुझे, आपका याद है, एक कमेंट और था यार, एक कमेंट और था, मेरे को याद नहीं आ रहा हो, आई थिंक कल के स्ट्रीम पर ऐसे कुछ था, वो Ace-8 से रिलेटेड था, नहीं Ace-9 Ace-8 से रिलेटेड ऐसी कुछ था, बट यार वो मतलब सूटेड थे ना मेरे पे, तो मैंने सोचा यार आई हैव आउट्स, मतलब मेरे पे है चांसेस वहाँ पे जीतने के, और यादव छोड़ो भाई इजीली, वैसे मैं रीरेस करता तो यहाँ पे मेरे को इजीली मिल जाता ये वाला, बट चलो लेट्स सी। यादव रेज अगेन, आई हैव ओपन एंडर एस और 9 ना, अब जा रहा है यार मैं इस बार कॉल करने के लिए। ओके एन 8, इफ ही बेट्स नाउ, यार मैं ब्लफ कर सकता हूँ ये वाला, लेट्स सी, लेट्स गो, आई एम ब्लफिंग दिस वन, मोस्ट प्रोबेबली आई विल लूज, लेट्स जस्ट होप कि ये फोल्ड कर दे, लेट्स सी, मोस्ट प्रोबेबली कॉल करेगा आई थिंक। नो 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 बेबी, नो नो नो, ही डिसाइड्स टू फोल्ड, एंड दिस इज हाउ वी टेक द पॉट डाउन।
Hello, 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 guys, hello. Okay. He raised, he 3-bet 2-5 times. He's... Okay. Ek second, guys. Okay, smooth legs jam karega. I have to call karega to okay nahi to ek cheez badal gayi, ye abhi bhi chah raha hai ki apna stack bachaye, so that's fine since these both yaar jack aur 10 dono hi inki range mein aa sakte hain, but ek c bet yaar polar dalni chahiye thi, main fir gadbad kar gaya bhai log. ओके जानू यार मैं गड़बड़ कर गया यहाँ पे, यहाँ पे मैं पैनिक कर गया भाई, पैनिक कर गया सीरियसली. उपेंद्र यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले जाएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे मैं गलत खेल गया, लाइक पैनिक कर गया मैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ. अरे यार मैं कुछ काम देख रहा था, फिर सडनली कितने बिग ब्लाइंड्स लूज़ किए वैसे मैंने, 2.5 बिग ब्लाइंड्स ना, सो वन के ओके 5000 लूज़ किया, नॉट टू बिग बट यार स्टिल गलती तो गलती है ना भाई, गलती तो गलती है जो कि टूर्नामेंट कॉस्ट कर सकती है अपने को. सो यप देयर आई डिड अ मिस्टेक बाय लेटिंग हिम डोमिनेट मी. कोई बात नहीं, अब 3 भी ऑल इन हो चुका है इस. ओ सो सैड मैन, सो सैड फॉर स्कूडी बू, स्कूडी बू के लिए काफी दुखद, काफी ज्यादा दुखद घटना. और यप क्या ही कर सकते हैं. ओके जानो भाई जिंदा थे यार, कोई भी कार्ड में कॉल कर देते तो आई थिंक जैम करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन. आई कैन सिंपली कॉल हियर. यार किसी भी कार्ड में कॉल कर देता है ना, सो जैम मुझे एक अच्छा ऑप्शन नहीं लगा वहाँ पे. 1.26 लाख में आ गए हैं. अनदर 5 विच डजंट मेक मच सेंस, छोड़ो क्योंकि दे विल नॉट बिलीव आई एम होल्डिंग अ 5 राइट. ओके नाउ अगर जैक नहीं है, 7 नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आई एम विनिंग हियर, सो आई विल गो फॉर अ डिसेंट साइज बेट एंड आई थिंक दे शुड फोल्ड. पकड़ूस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, क्या ही कर सकते थे. अब गाइस खुद सोचो हम क्या ही कर सकते थे, राइट? एम आई राइट गाइस. यार मैं क्या कर सकता था वहां पे, लाइक कोई ऑप्शन नहीं था भाई, कोई ऑप्शन नहीं था. मतलब वो पॉकेट ड्यूज लेके बैठा था, कुछ आया नहीं है इस 10 मिनट से, अब मेरी क्या गलती उसमें. दीपक आर्या से हेलो ब्रो, हेलो हेलो दीपक भाई, हेलो वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम. एंड यार अभी स्टैक तो है, देखो 125 बिग ब्लाइंड्स का स्टैक है, सो हमें अपना स्टैक को बर्न नहीं करना है, ठीक है. आई नो कुछ मिस्टेक्स हुई है मेरे से और कुछ तो नॉर्मल था यार गेम के डायनेमिक्स देखते हुए, है ना. 1.26 लाख है अभी अपने पास, सो आई थिंक आई शुड प्रिजर्व दिस स्टैक एंड ट्राई टू ग्रो द स्टैक. इज्जू भी 55 बिग ब्लाइंड्स पे आ गया, सो यहाँ पे कभी भी कोई भी डाउन जा सकता है, कोई भी अप जा सकता है. एंड एस 5 वर्सेस 7-9, एस 5 टुक दिस वन डाउन वेरी वेरी इजीली, दैट्स नाइस. सिक्स नाइन ऑफ सूट जस्ट हैड टू फोल्ड. 792 बंदे बचे यार अभी, सो बंदे तो बहुत हैं. वी नीड अ लॉट ऑफ
यार 1.25 लाख का स्टैक है अभी, स्टैक क्यों कम हो रहा है? स्टैक कम क्यों रहा है गाइस? कुछ एनी टिप्स फॉर मी गाइस, कोई भी कुछ टिप्स हैं हमारे लिए यहाँ पे, क्या करें कैसे करें? अभी हम चल रहे हैं 40th पे, लार्जेस्ट स्टैक 5 लाख का है अपने पास है, 1.25 लाख। सो अभी कैसे आगे प्रोसीड करें, कुछ आइडिया गाइस? क्योंकि अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ प्लेयर्स पे रीड लूँ। सारी सारी रात सारी 3 जैक और सर जैक नाइन, बाकी जैक हाई से जीता ना। क्वीन डूस यार फोल्ड है, मिल जाए तुम तो अगर साथ, तुम छोड़ दूँ सारा जहाँ। चार की वॉचिंग आ रही है यार गाइस हमारी, भाई लोग लाइक वाइक कर दो यार, लाइक कर दो, मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे एस किंग वर्सेस पॉकेट क्वींस हो चुका है, स्मिथ भाई को एक और डबल अब मिलता हुआ, स्मिथ ब्रो इज बैक इन द गेम मैन। कितने हो चुके हैं इनके, 39,000 आई थिंक, 43,000 स्टैक हो चुका है। हमें भी ऐसे ग्रो करना पड़ेगा यहाँ से, ग्रो। तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या हम 10 में 10 लखपति बन पाएंगे? है गाइस, तो क्या लगता है गाइस आपको, क्या लगता है गाइस आपको, हम 10 में 10 लखपति बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे गाइस? ओके, यहाँ थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं अपन। पॉकेट क्वींस इन कैश गेम, 2 रानियाँ हमारी तकदीर बदल। अरे भाई ये क्या हुआ? यार 52 बंदे बचे, 52 अपना चल रहे हैं, 763 यार 130 में ग्रैंड है, सो आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए अभी, तो आराम से खेलता हूँ। विवेक जोशी आ चुके हैं हमारे स्ट्रीम में, विवेक भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, डू हिट द लाइक बटन, आराम से खेल अभी, 180 के बाद लेना रिस्क। यार 180 मतलब बिग ब्लाइंड बोल रहा है क्या बोल रहा है? अच्छा 180 प्लेयर्स बोल रहा है, या 180 प्लेयर्स के बाद रिस्क लेना, मतलब कि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आई थिंक मेरे को रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो गाइस 763 बंदे हैं, ठीक है, 763 से मान लो 200 होता है, तो बाकी जो बचे 550 लोग हैं उनका स्टैक भी तो किसी ना किसी के पास जाएगा ना, सो ऑटोमेटिकली मतलब स्टैक यहाँ से बढ़ाना ही है यार। सो हाँ मतलब बड़े रिस्क नहीं लूँगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यार रिस्क लेना पड़ेगा तो डेफिनेटली लूँगा, कैलकुलेटेड रिस्क जिसे हम कहते हैं। सबने चेक कर दिया, किंग 9 ओके, किंग हाई से जीत गए भाई बंदे, उपेंद्र किंग 4 कॉल कर रहा है। सो उपेंद्र काफ़ी मतलब उपेंद्र की रेंज काफ़ी हो रही है, अंडर गन से क्वीन जैक इतना अच्छा कार्ड नहीं है, बट यार आधे घंटे से हैंड ही नहीं आ रहा भाई, तो ले लेते हैं इस बार। और दूसरी टेबल पे आया पॉकेट 10, आई एम गोइंग फॉर अ 3 बेट।
He decides to call. Okay, king आया है. काय को चेक किया भे. उधर दे देना. अरे ये क्या बात है भाई, ये विवेक जोशी भाई, ये गलत बात. अरे यार यहाँ दे दिया मैंने पैसा. शिट बे, हैंड लग गया दीप का. ओके दे जस्ट कॉल्ड. सो इतना स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं होना चाहिए. ए सेक्स हो सकता है किसी पे, बट पॉकेट पेयर्स एटलीस्ट पॉकेट 10 से अबव कार्ड तो नहीं है. ओके ही चेक. नाउ आई थिंक आई कैन गो फॉर अ स्मॉल. नहीं स्मॉल तो नहीं है, मतलब डिसेंट साइजिंग है, बट आई विल गो फॉर दिस बेट मैन. अगर किसी पर फ्लश ड्रॉ नहीं है तो ही शुड फोल्ड, अगर है तो ही शुड कॉल. एंड यप दे डिसाइड टू फोल्ड एंड दिस इज हाउ वी टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन गाइस. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैनानगी बर्फी, तेरी झलक शर्फी. यार यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ ना, लाइक गोइंग फॉर अ बेट. या आई विल गो. उपेंद्र को पॉट आउट्स अच्छे मिल जा रहे हैं यार, कॉल कर लेगा. दीपेश को भी पॉट आउट्स सही मिल रहे हैं, वो भी कॉल कर लेगा. ओके 6-7 या आई कैन जस्ट चेक दिस टाइम. अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैं, अरे भाई जय में मार दिया. ओके ही कॉल्ड. ओके यू फाइट फॉर द पॉट. आई एम आउट ऑफ हियर, वी डोंट डू दैट. ओ भाई 3 क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है. आईडी ये है कि अभी सिर्फ स्टैक सेव करने के. ओके पॉकेट 9 वर्सेस 8-9. ओ अबे 7-4 कैसे जीता ये. 6-7-8-9 ओके आई गॉट इट. किसी पे स्ट्रेट ही नहीं था भाई, किसी पे भी स्ट्रेट नहीं था. क्या ही पॉट था. नहीं भाई क्रेजी भाई. स्मार्ट है एलेक्स भाई, तो अपने पास ही आ गया बिल्कुल. 2 पेयर से बढ़िया यार. स्मार्ट एलेक्स काफ़ी अच्छा खेला. अरे भाई ये 6-7 बिग ब्लाइंड पे था, पता है 6-7 या 8 ऐसी बिग ब्लाइंड्स पे था स्मार्ट एलेक्स. सो वेल प्लेड मैन. आइडिया ये है कि अभी सिर्फ स्टैक सेव करने के लिए ट्राई करो, कोई अच्छा स्पॉट मिलेगा तो डायरेक्ट डबल अप होगा. बाद में बीबी हाई होता तो सब पैनिक करेंगे और लूज करेंगे. आइडिया ये है कि अभी सिर्फ स्टैक सेव करने के लिए ट्राई करो. हाँ कोई अच्छा स्पॉट में, ये बात आपकी बिल्कुल सही है. स्टैक सेव करना है, कोई अच्छा स्पॉट मिलेगा तो डायरेक्ट. देखो लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि कोई स्पॉट मिलेगा तो डबल अप देंगे ये लोग इतने इजीली. वैसे दे तो रहे बट मे बी आई थिंक सो. बाद में यार अब देखो बाद में पैनिक करेंगे ना सब, तो बाद में देखो अगर धीरे धीरे अगर स्टैक डिप्लीट होगा तो हमारा भी धीरे धीरे स्टैक डिप्लीट होगा ना. इस वजह से मैं ओके एम के जी दिया. यहाँ पे दीपेश इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट. सो यार मैं ये सोच रहा हूँ ना कि बाद में अगर स्टैक डिप्लीट होगा धीरे धीरे सो हमें भी वो मतलब डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा स्टैक उस पॉइंट तक हम भी डाउन होते रहे. क्योंकि देखो अभी 717 बंदे हैं, है ना, थोड़ी देर पहले 750 समथिंग थे ना. सो इतनी जल्दी बंदे आउट नहीं हो रहे, ठीक है. तो आई थिंक कि थोड़ा मतलब आप सही कह रहे हो, थोड़ा कंजर्वेटिव खेलना चाहिए, बट अच्छे स्पॉट जितना निकाल सके गेम से उतना निकालने का ट्राई करना चाहिए. और इस क्वीन वर्सेस पॉकेट एट्स, यप पॉकेट एट्स टुक दिस वन डाउन. Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats.
एडवांस टैग देख रहे हो 55,000 है, लार्जेस्ट है 6 लाख. नाइस मैन. एस जैक वर्सेस पॉकेट ड्यू. ओ पॉकेट ड्यूज इन टफ स्पॉट एंड एस जैक टुक दिस वन डाउन वेरी वेरी इजीली. Okay, I have ace-5 this time, so the pace jam, absolutely. Either I can call or 3-bet. But I don't know why this time I feel like folding. I don't know, I just felt that I should fold. Because the right play from... मेरे अकॉर्डिंग राइट प्ले होता है यहाँ पे, मैं इसकी बैट को 3-bet करता ताकि कोई ऑपिशन ना आए. बट वो भी मुझे कुछ बहुत अच्छा ऑप्शन लगे, मतलब कि अगर कोई बिलीव ना करता जैसे ये ace-10. ओके भाई 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 चलो ब्रेक आने वाला है गाइस, सो ब्रेक के बाद मिलेंगे फिर आपको हम. बाय वे इज 5 यार, आई डोंट नो क्या ये. चलो ब्रेक स्टार्ट हो चुका है गाइस, मिलते हैं आप सभी से ब्रेक के बाद ना, ठीक है. तब तक हम भी थोड़ा खाना वाना डिनर कर लेता हूँ मैं और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. ओके गाइस, सी यू, बाय बाय. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
playing fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm gonna go get some more.
ओके हेलो 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 गाइस, ब्रेक से आ चुके हैं हम। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा ले लिया हमने, आई नो हमने टाइम ज़्यादा ले लिया, बट कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा माफ़ कर दो, खाना पीना खा रहे थे तो लग जाता है यार, टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। आई हैव पॉकेट थ्री दिस टाइम, लेट्स सी हाउ टू प्ले। इफ ही कॉल्स आई एम गोइंग जैम। एम के ने अगर कॉल किया तो आई हैव एन ईजी जैम फॉर हिम। ओके आई एम गोइंग फॉर कॉल, किंग टेन पॉकेट थ्री, जस्ट होल्ड बेबी, होल्ड अ लिटिल होल्ड। बहुत ही बढ़िया होल्ड करते हुए पॉकेट थ्री, यो बेबी, ये क्या लिखा है, ये जस्ट लीन ओवर द शॉर्ट स्टैक्स विथ लेस देन 10 बेबी। ओके ओके ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन That's fine, that's fine, that's fine, that's fine. ये पल्ला ठंडा बहुत हो रहा है भाई, ये भाई सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ठंडा हो रहा है ना भाई। ओके 8-9 सूटेड है डेफिनेटली, आई कैन प्ले, जाने दे यार, पता नहीं क्या मन नहीं मान रहा मन। ओके आई हैव टू पेयर्स, आई एम गोइंग फॉर अ बेट, 10 जैक से हार रहा हूँ मैं, बट स्टिल जस्ट होप फॉर द बेस्ट ना यार, क्यों खराब सोचना है, क्योंकि मैंने रेज नहीं किया तो दे माइट हैव 10 जैक और मे भी किसी पे 10 हो सकता है, किसी पे जैक होते हैं, सो 10 और जैक में से कुछ ना आए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और एक 8 और एक 9 आ गया दोबारा तो आई एम ओके देयर। फक नाउ, नाउ आई थिंक आई एम जस्ट बिहाइंड हियर, सो जो कार्ड नहीं चाहता था वही आ गया यार, दिस इज बैड कार्ड फॉर अस, सो यप विल लेट इट गो। अगर जीनत ने अटैक किया तो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड कार्ड फॉर अस, आई जस्ट होप इन पे जैक ना ही हो। ओके ही चेक्ड यार, भाई एक 9 या 8 आता ना यार, 2-10 आ गए यार, हम पे 10 नहीं था इस टाइम, चलो क्या ही कर सकते हैं, आई हैव टू फोल्ड हियर सिंपली बिकॉज क्या ही कर सकते थे यार वहाँ पे। प्री फ्लॉप अगर रेस किया होता तो मतलब कुछ लोगों को भगा सकते थे हम, बट प्री फ्लॉप रेस ना करने का घाटा हो गया। ही गोज फ्रॉम बटन किंग 3 इज गुड, बट लेट इट गो दिस टाइम, 1.34 लाख का स्टैक है अपने पास, बहुत अच्छा भी नहीं है, बट स्टिल यार अभी थोड़ा सा लाइक मैं अभी, क्योंकि मुझे पता पर्सनली फील नहीं हो रहा उतना अच्छा, इसलिए आई एम लेटिंग इट गो। ओके देखा पॉकेट थ्री देख रहे हो गाइस, राइट वाले टेबल में पॉकेट थ्री होल्ड्स ब्रो, यार ठंड बहुत हो रही है भाई, ठंड बहुत हो रही है, अब थोड़ा सा गेम यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खेल तो सभी टाइट रहे यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा लूज नहीं खेल रहा है ना, वहाँ पे भी यार वो 10 के बाद 9 भी आ जाता है ना, जीत जाता भाई। ओके एम के took this one down very easily, that's fine, 4-5 suited, 4-5 suited, what should I do, going to open 4-5 suited, sometimes I can open man, भाई चिप्स कम क्यों हो रहे हैं यार, लेट्स सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड, एक सेकंड आया मैं,
This is a very good flop for me actually, but it might also have supported my opponent here. He checks. अगर यहाँ पे बैट करूँगा तो उसका एडवांटेज मुझे मिलेगा, बट स्टिल बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा. स्टिल आई एम गोइंग फॉर अ बैट. ओके, उपेंद्र कॉल. सो यप, हियर मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आई एम बिहाइंड. एंड लेट्स सी, मोस्ट प्रोबेबली मैं बिहाइंड हूँ यहाँ पे. बट हाउ कैन वी टुक दिस स्पॉट वैन he decides to check. I'm going for half pot again, and if he have a jack, agar uske paas jack hai then we are doomed literally. Most probably he's doing this with a jack. Yaar, let it go. Jack hai us pe. Oh fuck, pocket test. I was thinking of bluffing, man. Yaar, seriously bhai, seriously. I was thinking of bluffing there, man. एक छोटी सी रीड नहीं ले पाया यार भाई. Seriously वहाँ पर bluff करने की सोच रहा था भाई. यार टूर्नामेंट लाइफ का सवाल नहीं होता यार, मैं नहीं करता यार. पॉकेट पेयर्स को कैसे इग्नोर कर दिया मैंने, कैसे भाई कैसे. पूरा इतना प्यारा सेटअप किया था यार मैंने. मैंने क्यों, मतलब जब जैक आया वहां पे मैंने उसी टाइम उसको जैक में पुट कर दिया भाई. दैट वाज टू बैड ऑफ मी मैन. इतना खराब प्ले. आई थिंक 30,000 चिप्स लूज कर दिए उस प्ले की वजह से यार. शिट मैन, शिट 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 मैन. लिटरली दैट वाज सो शिटी गेम प्ले बाय मीना. आई डोंट नो मैन यहाँ से कैसे कंटिन्यू करूँ मैं, बिकॉज वहाँ पे इतना बढ़िया यार, इतना बढ़िया यार, इतना मस्त मतलब सेटअप करके रखा था. आई थॉट कि वो ब्लफ मारे. अगर टूर्नामेंट लाइफ का सवाल नहीं होता ना यार, यहाँ पे जैम था मेरी साइड से. 90% सिचुएशन में आई वुड हैव कंसिडर्ड जैमिंग देयर. आई डोंट नो वट क्या चला यार मेरे दिमाग में. आई डोंट नो मैन, यहाँ पे इतना अटैक करके भी यार. सीरियसली टू मोर लेवल्स टू सर्वाइव इन वॉन्डरर, होप नो मिस्टेक. अब अरे नवीन भाई यार, कोई मिस्टेक ही नहीं होगी यार, कोई मिस्टेक ही नहीं होगी. ओहो, लेकिन आशुतोष भाई आपके टेबल में, सो बस आशुतोष भाई से बच के रहना यार. बाकी तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है यार. नवीन भाई आप क्वालिफाई करोगे, टेंशन मत लो, और इंशाल्लाह क्वालिफाई हो गए यार, है ना. हम भी यहाँ पे कुछ कर जाए यार, आई जस्ट होप, क्योंकि थोड़ा सा फकअप सिचुएशन में आ चुके हैं अपन. अभी 1 लाख के आसपास का स्टैक हो चुका है यार अपना. अच्छा खासा चल रहा था यार, 1.5 लाख के आसपास थे अपन. 50,000 वैल्यू हमने गवा दी, और वो भी काफ़ी ख़राब खेला. चलो कोई ना, नवीन भाई जीतोगे जीतोगे जीतोगे. गुड लक गुड लक गुड लक नवीन भाई. गुड लक ब्रो लिख देते ना, गुड लक ब्रो. सो आई होप कि आप जीतो, एंड आई होप कि हम भी यहाँ पे जीते. यार वो ब्लफ सक्सेसफुल हो जाता पता है. आई डोंट नो मैन, वहाँ पे क्या ही फकअप किया ना मैंने. ओके उपेंद्र थोड़ा सा तो पहला टूर्नामेंट है इसका. ओके सब मेरी तरह ही है. सो आई थिंक आई जस्ट हैव टू, ओके इसको छोड़ के ना, ये ब्लफ वर्क करना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से.
Let's see. King queen versus ace six. Nice. MK. Nice. King six. Now I will defend king six. Shit, yaar. एक डबल अप मिल जाए यार अब आई डोंट नो मिलेगा या नहीं आई जस्ट नो कि मैंने अपने किंग सिक्स डिफेंड करने हैं दूसरे टेबल पे किंग जैक वर्सेस एस नाइन वाओ 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 किंग जैक टुक दिस वन डाउन वेरी वेरी इजीली मुझसे दूर कहीं ना जा बस यहीं कहीं रह जा तेरी दीवानी रे अफसोस मुझे है क्या चलो कॉल ही कर दे ओके He checked back, that's fine. He calls. स्थिति कुछ खराब चल रही है हमारी हाउ टू कवर अप ओके आई डोंट नो कि मैं सही खेल रहा हूँ या गलत बट अप आई एम गोइंग टू टेक दिस वन डाउन मैन एम के ने इतना सोचा सो एम के पे इतने अच्छे कार्ड्स तो नहीं होने चाहिए सो यप आई गो फॉर अ बेट इफ ही कॉल आई विल कंटिन्यू That's fine, he decides to fold. Jim, 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 Jim. Oh! Let's see, bro. Let's see. We have pocket aces. Let's win this one. Okay, गरीब आदमी आए हमारे चैट पे चीट रखे गरीब आदमी पहले तो आपका स्वागत है यार हमारी स्ट्रीम पे आप आए और आपकी बात एक सेकेंड ना गरीब आदमी भाई अभी देखते हैं ठीक है मैं एक सेकेंड आया एक सेकेंड ओके सो बोर्ड तो बड़ा अच्छा नहीं आया दिस इज आई एम गोइंग फॉर हाफ पॉट 4.44 अरे क्या हो रहा है ओके 4.44 लेट्स सी ओहो सबने फोल्ड ही कर दिया भाई चलो कोई बात नहीं एसेस में जितना भी हो पाया हमारे साथ हमने उतना वसूल किया ठीक है ना कोई बात नहीं 1.33 लाख पे वापस आगे मतलब ठीक है मतलब मैं जीत सकता था बस चलो ना यार हो गया ना यार
उस बोर्ड पे वैल्यू लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार पॉकेट एसी से, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ है ना। तो ऊपर वाली चल गरीब आदमी भाई गए चीटर गेम किस्मत का खेल बेकार गेम। गरीब आदमी भाई पहली बात तो वेलकम टू द स्ट्रीम, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब करने वाला, सो जस्ट उस बात का बुरा मत मानना। एंड यप किस्मत का खेल यार, देखो ऐसी बात है ना यार गरीब आदमी भाई, यार आई विल से ना दिस इज़ अ गेम ऑफ स्किल प्लस लक, ठीक है ना। सो अगर आप यार किस्मत का खेल कहोगे तो मैं टोटली एग्री नहीं करता हूँ। आई नो कि लक बहुत मैटर करता है इसमें, है ना। सो आई नो लक काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, बट आई विल स्टिल से कि किस्मत का गेम टोटली तो नहीं है। हाँ किस्मत पे है बट टोटली नहीं, ठीक है। सो ये पॉइंट रिमेंबर करना काफ़ी ज़रूरी है, टोटली किस्मत पे नहीं है। हाँ किस्मत का भी गेम है ये, बट इट इज़ लाइक कि अरे यार मैं कैसे बोलूँ यार आपको गरीब आदमी भाई, है ना, कि देखो पोकर इज़ अ गेम ऑफ स्किल प्लस किस्मत। स्पेशली जो टूर्नामेंट्स हैं ना यार वो भाई बहुत ज़्यादा लक का गेम है और स्किल का भी गेम है, ठीक है। अगर आपको टूर्नामेंट में जीतना है तो लक और स्किल दोनों चाहिए, देखो साफ सी बात है, है ना। सो ऐसा नहीं कह सकते टोटली लक बेस्ड है या टोटली स्किल बेस्ड है, इट्स अ स्किल बेस्ड एंड अ लक बेस्ड, ठीक है। अगर इंडिविजुअल टूर्नामेंट में देखोगे आप एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट में तो आपको लग सकता है यार ये लकी गेम है, लेकिन अगर आप काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेलते जा रहे हो तो आपको पता चलेगा नहीं भाई इसमें लक है, मैं मानता हूँ, लेकिन स्किल का भी बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पे देखो अपन जीत जाते हैं 6, 7, 8, 9, है ना, नहीं खेले लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, होता है, दैट्स फाइन। पॉकेट फाइव्स, बट ये पोजीशन अच्छी नहीं है एक्चुअली, है ना। सो वी कैन लेट दिस वन गो। और आशुतोष गॉड बस्ट, अरे यार नवीन भाई आशुतोष भाई बस्ट हो गए यार, ये बड़ा सुन के ख़राब लगा। लास्ट लेवल यार, इतने कम चिप्स थे क्या उन पे, एटलीस्ट डे टू में चले जाते यार, आईटीएम हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, उनको यार हमसे अच्छा ही आता है, सो कोई बात नहीं। ही गॉट बस्टेड, आई थिंक चिप्स कम होंगे उनके पास, तो सोच रहे होंगे अगर डे टू में जाना है तो अच्छे स्टैक के साथ जाना है, कोई बात नहीं। विथ 35 बिग ब्लाइंड शुड बी गुड टू गो फॉर डे टू। अरे 35 बिग ब्लाइंड बहुत है यार, आई थिंक 27 लेवल सर्वाइव किए होंगे ना नवीन भाई आपने, 27 या 20 के आसपास, तो इतने लेवल सर्वाइव करके डे टू में भाई बहुत अच्छा चिप स्टैक है, है ना। क्योंकि यार देखो 10-15 बंदे ही होंगे जो कि मतलब 4-5 डे खेल के आ रहे होंगे, है ना, तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो भाई बहुत बढ़िया यार, बढ़िया है भाई, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन यार नवीन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि आईटीएम तो ऑलरेडी हो चुके, तो एक आईटीएम की कॉन्ग्रेचुलेशन और एंड गुड लक आल्सो फॉर डे टू। सो ईस्टर्न को अपन कवर कर रहे हैं, इजीली ले लेते हैं इसे। यहाँ पे भी थोड़ा गेम ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें गाइस, क्योंकि गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब जिस पे 9 है वो भाई चढ़ के बैठेगा यहाँ पे, या सुमड़ी में घुसेगा कि नहीं किसी को ब्लफ करने दो यार, बट आई डोंट थिंक कि 9 को ब्लफ करना चाहिए यहाँ पे। सो स्मिथ एलेक्स के पास लग रहा है कि 9 है, एंड यप ही टुक दिस वन डाउन वेरी 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 इजीली। मैं कुछ नए गाने डाउनलोड करने पड़ेंगे अभी। Sound 3 of just have to fold. Hello. किंग 5 या जस्ट हैव टू चेक, सो चेक ही करेंगे। ओके 2, 3, 4, 5 आई हैव ओपन एंड, सो आई थिंक आई कैन बेट स्मॉल ऑल्सो एंड इवन जस्ट चेक हेयर ऑल्सो। यप आई थिंक
going for a check is fine because I have decent cards now. So let's just wait for their action. क्योंकि एस किसी के पास तो होगा. ओके ज्यूरिस टू 4.41 विच इज नॉट गुड फॉर अस. बट आई विल गो फॉर इट. ओके आई थिंक यू विल ट्राई टू पुट मोर प्रेशर नाउ. But still he only have A6 type. Oh yaar, jaane de bhai, jaane de, jaane de. Hume turn pe hi hit karna tha, jo karna tha. Ab aa bhi jayega to bhai nahi ho payega bhai. Nahi continue kar sakte aur chips nahi de sakte. Yep, nice decision. Ya to hume bluff hi karna padta hai na. Okay, he just checked now. So pocket 6, hamara 6 yahi daba ke baitha tha. अरे यार हमारा सिक्स यही दबा के बैठा था. चलो कोई बात नहीं, अच्छा खेला इज्जू. नॉट बैड हमारे लिए बैड हुआ ऑफ कोर्स, बट चलो कोई बात नहीं यार. अभी अभी भाई सब सूद समेत वापस लेंगे. देखो Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. It's time for progression. Oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody and stained. Okay, 3-way pod ho chuka hai. Kafi interesting ho gaya hai wala pod. 3-5 आई डोंट थिंक इसे क्यों होना चाहिए. एक बंदा मोस्ट प्रोबेबली फ्लश ड्रॉ पे है और एक बंदा टॉप पे लेके बैठा है. सेट्स बेबी. ओके जीनत 2,00,000 के स्टैक पे बैठ गए. अब स्ट्रांग विल स्ट्रांग माइंड कॉजेस मेहम. वी कुड चेंज द वर्ल्ड चेंज टाइम्स रीअरेंज देम स्टेइंग ऑन पेस रनिंग द रेस लाइफ इज अ चेस. 7-6 यार आई विल प्ले. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing. I'll defend. I have implied odds, not too much, but yep, have some chances for straight. Danger four करेंगे दूसरे round में. Ah, got shot, bhai. Shit, man. Shit. यार jack की जगह 5 होता भाई यहाँ पे. कोई तो attack करेगा यार. I just think gut shot ke liye jaye nahi jaye, that's the next question in my mind. I don't think ye gut shot ke liye jana chahiye. Nope. MK played well here by shoving. Most probably MK shoving with oh bhai ले गया ना. मैं वही बोल रहा हूँ यार, एमके ने बढ़िया खेला. अबे यार भाई 1,00,000 है, बट कैसे कवर अप करें. ओके नवीन भाई का मैसेज आया है, क्वालिफाइड फॉर डे 2 वॉन्डर विद 30. अच्छा ओके 33 बीजी से क्वालिफाई. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कोर बनाओगे यार नवीन भाई. क्यों दिक्कत ले रहे हो, हमें आप पे भरोसा है यार नवीन भाई. You are the SETI king.
और यार पक्का, यार पक्का आप जीतोगे आई नो, कोई शक ही नहीं यार आपकी काबिलियत पे, हमें डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा स्कोर करोगे। आई जस्ट होप कि आप वहाँ पे जीतो, शिप करो, बिकॉज एक IUPC इवेंट शिप करना काफ़ी यार काफ़ी ग्रेट फील होता है ना। आई डोंट नो, मैंने ही नहीं किया बट आई जस्ट विश कि कभी कर पाता। ओके S4, ओके S4 took this one down। ब्लाइंड्स हो चुकी है अब, 39 बिग ब्लाइंड्स रह गई है अब हमारे पास, सो थोड़ा सा हरकत में आना पड़ेगा हमें भी। एवरेज स्टैक के आसपास ही हम, क्योंकि डेवलप यहाँ से मिलने के चांसेस है क्योंकि इनके पास स्टैक कम हो गए है काफ़ी। सो अब लेट्स सी, डिसेंट हैंड्स ही है डेवलप के लिए भी। बढ़िया करोगे यार आप, आई नो आप बढ़िया करोगे। और यहाँ पे स्टूडेंट बढ़िया किए काफ़ी, किंग ड्यूस से जीतते हुए। एंड जीनत जो कि काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर है, लेट्स सी क्या करता है। चेक किंग 7-10 के बोर्ड पे जू चेक। अनिल बता ना, अनिल को कुछ बताना है, लेट्स सी अनिल क्या कहानी बताता है। अनिल बैट्स हाफ व्हाट, नॉट हाफ, ही ओवर बैट्स राइट। सो उसके पास अब 9 बिग ब्लाइंड्स बचे हैं। इज्जू मोस्ट प्रोबेबली फोल्ड ही करेगा, आई डोंट थिंक कि इज्जू स्लो प्ले कर रहा होगा यहाँ पे। सो यप, ही डिसाइड्स टू फोल्ड। अनिल बता के पास 16.7 बिग ब्लाइंड्स आ चुके हैं, हमारे पास है 39 बिग ब्लाइंड्स। पॉकेट फाइव्स गुड फॉर अ शव मे बी, लेट्स सी। बट क्योंकि यार हमारे स्टैक की भी कुछ वैल्यू है, नोप आई एम गोइंग फॉर अ शव। बस ये 3 ब्लाइंड, 2.5 बिग ब्लाइंड और यहाँ पे 3.5 बिग ब्लाइंड स्टील करने का अटेम्प्ट है बस, और कुछ नहीं। और अगर शोडाउन के लिए भी जाते तो आई हैव सम चांसेस। सो यप, दिस इज माय मेन रीजनिंग बिहाइंड दिस मूव। इट मे बी रॉन्ग बट स्टिल ओके। अनी बता कॉल्ड, ओफ ओके, डेसेस ही दिखा दिया भाई उसने। नो चांसेस अगेंस्ट पॉकेट डेसेस राइट। छी यार, पॉकेट डेसेस ही दिखा दिए भाई उसने, जो कार्ड नहीं देखना था यार। रुशिक भाई आज शिप तो क्या ही कह रहे, देख ही लिया होगा आपने पॉकेट फाइव कैसे खेला मैंने। अबे यार मैं क्या ही कर रहा हूँ भाई, जिस अटेम्प्ट में यार, मतलब वो बेसिकली ब्लाइंड से स्टील करने के लिए था। आई थॉट यार कि शिट मैन, शिट, अब तो यहाँ पे डबल अप ही लेना है मुझे। सो अब कोई खास चांस है नहीं यार, उस पोजीशन में हो जाता भाई, मतलब उस पोजीशन में हम सोच सकते थे शिप करने की, अब तो सरवाइव करने की सोच रहे हैं। सो यप, लेट्स सी, वी आर नॉट इन अ वेरी गुड स्पॉट एट दिस पॉइंट, बट डेफिनेटली आई हैव टू ट्राई। यार पता नहीं क्यों यार इतने अच्छे पॉइंट पे आके ही फकअप होता है ना। आई वॉज इन टॉप 100, आई कुड हैव ट्राइड एट लीस्ट। जैक 10 वर्सेस किंग 7, ओके दिस वाज कूल, वी कैन ऑल्सो विन ना, अभी भी है चांसेस। लेट्स सी, थोड़ा सा यार पैसिव तो नहीं खेलूंगा मैं, मतलब पैसिव तो कोई चांस ही नहीं है, पैसे तो भूल जाओ कि खेलूंगा। लेट्स जस्ट, अरे यार चेक हो गया ना, ओके लेट्स जस्ट बेट स्मॉल। ओके
एक छुटको छुटको सा पॉट मिला, लेकिन S9 definitely I can jam with S9 Sudra. अबे यार अभी कुछ समझ नहीं आ रहा यार मेरे को, यहाँ से कैसे प्रोसीड किया जाए। अभी एक चीज समझ आ रही भाई, फ्लिप लोअर। Okay, going for a check. Let's see. He also checked it back. Now I think I'm going for half pot. He decides to fold. That's fine. Who are playing Spartan free roll? पता नहीं यार. नवीन भाई आज तो नहीं खेल रहा हूँ मैं Spartan का free roll. Chat पे कोई खेल रहा होगा तो. I cannot say. मैं भी खेल रहे होंगे यार चैट पे, तो हमारे भाई पीरो प्लेयर है भाई चैट में। अब यहाँ पे ब्लाइंड स्टील करने की अटेम्प्ट है सारे मेरे। स्मॉल ब्लाइंड से कॉल किया। He might have some good hands. Let's see. इसने भी कॉल किया। ओके आई हैव टॉप पेयर। ओके लेट्स गो, ही चेक, आई विल गो फॉर अ बेट। ओके लगातार तीन पॉट जीत के हम वापस से यार 34 बिग ब्लाइंड्स पे आ चुके हैं, 1,00,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं गाइस वापस से। सो आई डोंट थिंक अब मुझे कुछ भी ख़राब फील करने की ज़रूरत है ना। तो यार चैट पे यार थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार, अगर कोई चैट पे अगर अभी लाइव है तो यार भाई थोड़े से हार्ट से स्पैम कर दो, बहुत अच्छा लगेगा यार मुझे, टू बी ऑनेस्ट सीरियसली काफ़ी अच्छा लगेगा है ना। कि हम वापस से यार 34 बिग ब्लाइंड्स पे आ चुके हैं, वैसे 39 पे थे आई थिंक उस टाइम पे, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। यार रैप कैसे लग रहा है आपको भाई बताओ, म्यूजिक कैसा है यार, म्यूजिक चेंज वेंज तो नहीं करना है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है यार वैसे ही म्यूजिक में। म्यूजिक अगर चेंज करना हो तो आप बस फरमाइश करिएगा यार भाई, लोग अपन सब कर देंगे आपके लिए। और यार थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार चैट में है ना। ओह 6 बंदे देख रहे हैं यार, लेकिन चैट रेट हमारा कम क्यों है, चैट में कुछ बातचीत क्यों नहीं हो रही है। कोई यार हमारी बुराई करो यार, कोई तारीफ करो, कोई तारीफ करने लायक तो ऐसा कुछ काम किया नहीं, थोड़ी बुराई ही कर सकते हो। ओके मजाक से हटके लेट्स सी आगे कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि जीनत के पास भी स्टैक अब 51 बिग ब्लाइंड से रह गए ना, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ओके क्वीन चैन 9 अपने काम कर जाता ना, 9 9। ओहो दूसरी जगह पॉकेट एसेस को बैड भी मिल गई है क्वीन जैक की तरफ से। किंग जैक डिसेंट कार्ड, या आई कैन ओपन फ्रॉम दिस पोजिशन मैन। जैम तो मुझे कहीं से कहीं, ओ इज्जू जैम कर सकता है, और यहाँ पे हमने 2.5 बिग ब्लाइंड आई थिंक गलती कर दी रिस्क करके। सो 3 3 9 आई थिंक 3 6 अराउंड 9,000 के अराउंड अपन ने रिस्क किया। ओके लेट जस्ट होप कि इज्जू जैम ना करे, जो कि मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। ओके ही डिसाइड्स टू फोल्ड, that's fine. Now I'll just check, let's see what Smooth Alex is. He decides to raise. Now I am going for a bluff. Let's just hope ki ye fold kare.
अरे यार शव ही कर दिया उसने भाई, फिर से फकअप कर दिया यार मैंने, एक ही गेम में कितने फकअप्स कर रहा हूँ। कॉल कर दो भाई अब कोई, बस कॉल कॉल। अरे यार यार आपके हार्ट्स मैंने 2 सेकंड पहले देख लिए होते काश, मैं वो बकवास गलती नहीं करता। अबे यार मैं क्या किया यार भाई, शिट मैन। यहाँ पे भी आई थिंक मैंने गलती कर दी है जैम करके, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ वैल्यू मिलने वाली। आई जस्ट होप कि कोई कॉल कर दे लाइक कोई और पॉकेट पेयर्स हो किसी पे। अरे यार कोई नहीं कर रहा कॉल, फिर फका फिर गया। अरे गाइस शू कर दिया पॉकेट सिक्स, नो अदर ऑप्शन आई हैव टू जैम। यार क्या बोलूँ यार मैं भाई लोग, सॉरी यार सॉरी, आपको लग रहा होगा क्या बकवास स्ट्रीम कर रहा है यार, मैं क्या बोलूँ भाई। अबे यार अबे यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई। क्या ही बोले यार, यार वो किंग जैक वाला हैंड मुझे लग ही रहा था भाई किंग जैक डुबाएगा तो नहीं, मतलब मन ही मन में मैं सोच रहा था, बट लगा नहीं था यार डुबाई देगा। अबे यार दो बार भाई, जस्ट थोड़े टाइम के स्पैन में दो बार एक गलती, ये स्क्वीन वर्सेस ये स्क्वीन। चलो यार सीरियसली यार इतने छोटे टाइम स्पैन में, मतलब यार लिटरली भाई थोड़ी देर पहले एक गलती हुई थी ना, थोड़ी देर पहले ही मैं लाइक इशू हुआ था यार। शिट मैन शिट, आई डोंट नो मैन क्या खेल रहा हूँ मैं, सॉरी यार सॉरी सॉरी, अगर आपको लग रहा है कि मैं खराब खेल रहा हूँ तो मतलब खराब खेल रहा हूँ, लग क्या रहा है मैं खराब खेल ही रहा हूँ। सो आप लोग यार अनसब्सक्राइब मत करना, बस डिसलाइक मार सकते हो इफ यू वांट, मतलब यार मैं क्या बोलूँ भाई। यार सारी मेहनत ये लास्ट में जाके ना पेशेंस की ऐसी तैसी करवा लो। I don't know man, what the heck is going on? मैं क्या ही कर रहा हूँ भाई। Sorry यार, sorry guys, sorry, sorry, sorry. I thought कि वो bluff कर रहा है या वैसी कुछ। पता नहीं यार। Okay, he decides to call this time. Interesting. Okay, cash game में तो कुछ अच्छी lead नहीं है. He might have some 7, 8, 5, 6, 6, 7. Yeah, बहुत सारे cards हो सकते हैं उसे. Okay. Now this is an issue. लेट्स जस्ट गो ऑल इन दिस टाइम, मतलब मेरे कोई रीज़न नहीं आया, मेरा पता नहीं क्या मूड नहीं कर रहा, पता नहीं कह सकते हो। फक 7-10 लेके बैठा, चलो गाइस जीजी फॉर अस, 7-10 लेके बैठा था वो, आई डोंट नो। या तो फ्लॉप पे ही जैम कर देता यार, रेज ना करना अगेन, सेम मिस्टेक मैन। किंग टेन अगर मेरे को एंटर करना था तो फ्लॉप पे रेज कर सकता था, ही वुड हैव फोल्डेड 7-10। सेवन टेन वो फोल्ड कर देता यार अगर मैं फ्लॉप पे रेज कर देता तो। अबे यार इतने
इतना क्लोज आके मैन, इतनी मिस्टेक करना भाई, इतना क्लोज आके इतनी बड़ी मिस्टेक्स करना, दिस इज जस्ट अनोइंग मैन, जस्ट अनोइंग। यप गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। यार मतलब इतना आगे आके भाई ऐसे बकवास करना, फ्लश इवन एट भी हो सकता है, लेट्स सी, आई हैव टू कॉल एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग टू फोल्ड इफ ही अटैक्स, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस, आई एम नॉट गोइंग टू फोल्ड मैन। ड्यूस सेवन, ही वाज ब्लफिंग विद ड्यूस सेवन, जस्ट फक अप मैन। भाई ड्यूस सेवन से ब्लफ कर रहा था यार, यार मूड तो ठीक ही कर दिया भाई उसने। यार टूर्नामेंट में और चाहिए यार, और चाहिए भाई अपने को एक्सपीरियंस एंड लाइक टूर्नामेंट में यार और काफ़ी चीज़ें, मतलब अभी मेनली मेरे को क्या लगता है ना टूर्नामेंट में मुझे अभी और पेशेंस चाहिए एंड एक्सपीरियंस चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, और पेशेंस चाहिए और यार मेंटली मतलब मुझे प्रिपेयर रहना है यार, लाइक मेंटली आई थिंक मैं 6:30 बजे से शुरू हुआ था ना 10 में 10 लखपति, हाँ 6:30 बजे से 10 में 10 लखपति शुरू किया था, 7:30, 8:30, 2.5 घंटे ही खेला हूँ ना, बट स्टिल मतलब काफ़ी था यार, काफ़ी कुछ हुआ। सो अब थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा और टूर्नामेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक पेशेंस चाहिए भाई। आई डोंट थिंक ही मे हैव फोल्डेड ऑन फ्लॉप, यू डिडंट हैड सो मच स्टैक, मे बी हो सकता है ऐसा, बट आई थिंक कि स्टैक साइज यार उस मोमेंट पे ना नवीन भाई, आई थिंक कि 18 BB भी काफ़ी था यार मेरे पे, आई थिंक 18 BB के अराउंड थे ना, लाइक 20 BB के आसपास में चल रहा था मेरे पे 18, और ओपन तो मैंने किया नहीं था आई बेट, सो आई थिंक मैं 16-17 BB के आसपास होऊंगा। तो यार उसका ओपन एंडर भी था, गट शॉट था, तो आई डोंट थिंक वो गट शॉट के लिए कॉल करता मुझे विथ इवन 17 BB, बिकॉज उसके पास भी अराउंड 50 BB के आसपास ही थे। सो आई थिंक कि क्योंकि अगर वो हारता वाला पॉइंट तो वो अराउंड 30 BB के आसपास आ जाता। सो पता नहीं यार, मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ रीज़न रहा होगा, बट मे बी हो सकता है कि वो वहाँ पे भी फोल नहीं करता। इट वॉज जस्ट कि द मिस्टेक मेरे को उस हैंड में जहाँ पे लगी ना भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट, ओके इस 8 फ्रॉम बटन या जस्ट लेट इट गो, कैश है ये तो मुझे वहाँ पे देखो मिस्टेक जो लगी ना कि मैंने क्या मिस्टेक की, तो वो मुझे लगी कि मैंने प्री फ्लॉप, अगर मुझे किंग 10 खेलना था वहाँ पे तो मुझे प्री फ्लॉप वहाँ पे एंट्री मारनी थी विद अ रेस, ठीक है, ताकि जो वीक हैंड्स है लाइक जैसे 10-7 था, ये डेफिनेटली वहाँ पे फोल्ड थे, है ना, और अदर हैंड आते उन वो फोल्ड हो जाते, और मैं मतलब कि मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है यार कि मैं मतलब डिसेंट हैंड से आया और लाइक कोई, फिर उसके बाद यार मैं कमिट कर ही देता हूँ, मतलब किसी ऐसे हैंड से हार जाना जो कि प्री फ्लॉप में फोल्ड करवा सकता था ऐसा लगता है, बट या मेरी गलती थी वहाँ पे किंग 10, मुझे पता था उनकी रेंज काफ़ी वाइड होगी उस पॉइंट पे, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं।
थोड़ा सा यार गलत तो खेले भाई, आई एम एक्सेप्टिंग डेट पॉइंट कि गलत तो खेले, बट चलो कोई बात नहीं यार, 10 रुपये की एंट्री काफी कुछ सिखा गई टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली मैन 10 रुपये की एंट्री काफी कुछ सिखा गई टू बी ऑनेस्ट। नवीन कुमार सेज स्टडी ब्रो प्ले ऑन रेंजर्स, हाँ भाई मतलब स्टडी ज़रूरी है यार, मतलब आई नो प्ले ऑन रेंजर्स यार लेट स्टेज में मैं रेंजर्स पे खेल रहा था यार, मतलब मैं बोल नहीं रहूँगा बट मैं उसके हिसाब से खेल रहा था, बट किंग 10 वॉज लाइक मेरे को खेलना था वो, ठीक है किंग 10 मतलब मैं बताऊँ एक सेकेंड, किंग 10 में ऐसा हो रहा था ना यार मुझे खेलना था ठीक है, और लाइक मुझे वो हैंड खेलना था, बट मेरे को ये हो रहा था यार कि कोई जैम करेगा तो मैं नहीं खेलूँगा, मतलब पता नहीं क्या था यार वो रीज़न, मुझे खुद अभी समझ नहीं आ रहा मैंने किंग 10 वाला हैंड कैसे खेला, एक बार मैं वापस से जाके देखूँगा अगर समझ आएगा मुझे किंग 10 वाला हैंड तो, और उससे पहले तो मैं चार पांच मिस्टेक तो देख लिया होगा आपने, लगातार बैक टू बैक किया मैं वो, सो यप आई ऑल्सो यूज टू प्ले लाइक दिस बट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग देन स्टार्टेड रियलाइजिंग द मिस्टेक आई वाज डूइंग, हाँ मतलब यार दिख रहा है ना यार इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही है और काफ़ी चीज़ है यार, किंग मिस्टेक्स तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, 6 7 8 9 सो यप लेट्स सी, बिल्कुल यार सही यार स्टडी ज़रूरी है, मतलब स्पेशली यार टूर्नामेंट के लिए, मतलब कैश में वैसे लो स्टेक खेलता हूँ तो लगता है मुझे कि कैश में ज़रूरी है, बट कैश में भी है बट टूर्नामेंट्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा वो है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बात नहीं यार अब हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं है ना, जस्ट लेट इट गो यही बोल सकता हूँ अपने आप से, बट यप इट वॉज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर अस बिकॉज डेफिनेटली वी कुड हैव क्वालिफाइड देयर फॉर, मतलब आ सकते थे यार एक पॉइंट पे, ऐसा कुछ नहीं था, हो सकता था, नॉट इम्पॉसिबल नहीं था, मुश्किल होता मे बी इम्पॉसिबल नहीं था, सो यप दैट्स फाइन, कोई ना आ सकते थे आ नहीं पाए, थोड़ा कैश गेम खेलते हैं मूड ठीक करते हैं, इज 10-10 विच इज़ नॉट गुड, डेफिनेटली ही चेक्स, आई एम गोइंग फॉर अ बेट, लेट्स गो, मे बी वी आर बिहाइंड इन दिस स्पॉट बिकॉज व्हाट द हेक डिड ही कॉल, यहाँ पे बिहाइंड तो लग रहा है, दस नॉट अ कॉल फ्रॉम स्मॉल लैंड, यप मैन यप यार वहाँ पे ये लगा ना मुझे कि वो एक सेकेंड ना याला हैंड खेलने तो पहले, यहाँ पे भी हार ही रहा हूँ मैं, नोप इससे जीता इससे हारा, चलो माइनस तो नहीं हुआ, तो या डेफिनेटली इट्स नॉट अ कॉल फ्रॉम स्मॉल ब्लाइंड, बट वहाँ पे मैं क्या माइंडसेट से कॉल किया कि हाँ इट्स जस्ट अ लिम्पी लिम्पी पॉट, अगर मैं लाइक 0.5 बिग ब्लाइंड मिल रहे थे मुझे, 0.5 बिग ब्लाइंड में फ्लॉप देखने को मिल रहा था, तो आई जस्ट थॉट कि मतलब या क्यों अटैक करूँ वहाँ से, अगर करना ही है तो ओपन करना ही है तो जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि वहाँ पे मतलब हिट नहीं होगा सिंपली मैं सोच रहा था, तो आई जस्ट थॉट कि ऐसे ही चले आता हूँ, फ्री में मिल रहा है मतलब 0.5 बिग ब्लाइंड में मिल रहा है तो चले आता हूँ, अगर पीछे लेन जैम किया तो आई कैन फोल्ड, इस चक्कर से वहाँ पे लाइक लिम करते हुए चले गया, और यहाँ पे इस 10 वर्सेस इस किंग ऑफ सूट, दादी राम का हो गया गेम खत्म, किंग जैक फ्रॉम अंडर द गन, यहाँ तो भाई मैं कुछ भी खेल सकता हूँ, फुल झूठ है भाई अपने को, ओके आई एम ऑन अ फ्लश ड्रॉ, डालो पैसा, अपन हारेंगे हारेंगे अपने को टेंशन नहीं है, ओके अनदर 6 दैट्स फाइन, लेट्स गो फॉर अ चेक दिस टाइम,
join another tournaments. यार मैं खेलता हूँ बता, एक सेकेंड ना. ओके इफ समवन बैट्स देन दिस. अरे यार बैट ही नहीं किया किसी ने. चलो छोड़ो. डोंट माइंड जॉइन अनदर टूर्नामेंट. डोंट माइंड यू वर ऑन टिल्ट स्पेशली आफ्टर के जे हैंड सो यू स्टार्टेड प्लेइंग दैट के टेन हैंड और इट कैन बी एनी. यार लिटरली दैट वॉज द मेन रीजन अगर कह सकते हो. और किंग टेन सिंपली कॉल करना वॉज द मेन रीजन ऑफ किंग जैक. मतलब कि किंग जैक वॉज द मेन रीजन कि मैंने वहाँ पे सिर्फ कॉल किया. अदरवाइज अगर लाइक मेरे को खेलना ही होता किंग टेन तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे बैट करके आगे जाता. सो ये आप कह सकते हो बट स्टिल ना. ओवरऑल मिस्टेक तो मेरी थी. सो ये आप कृष्ण कुमार सिंह जॉइन अनदर टूर्नामेंट्स. यार बिल्कुल भाई. अच्छा अभी खेले क्या, क्या बोलते हो गाइस? अभी खेले एक टूर्नामेंट और कोई छोटा मोटा, नॉट बिग टूर्नामेंट, क्योंकि यार बिग टूर्नामेंट अभी तो नहीं खेल पाऊंगा कोई. लेट्स सी, एक सेकंड मैं देखता हूँ कोई टूर्नामेंट अगर मैं खेल पाऊंगा अभी तो. बाजी पे तो नहीं है. अच्छा कोई टूर्नामेंट बताओ यार भाई लोग जो खेल सकते हैं. लाइक बाइन छोटा बताना प्लीज, काफ़ी छोटा. यार आई थिंक स्पार्टन पे खेल सकता हूँ मैं अभी. रुको मैं देखता हूँ एक बार, स्पार्टन खोल के देखता हूँ गाइस मैं एक बार. हाँ दो मिनट का टाइम देना मेरे को. कहीं जाना मत यार गाइस प्लीज़. आप चार पांच लोग काफ़ी लाइक काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे. सो आई जस्ट होप कि आप कहीं जाओ मत. और यस देखते हैं. कोई बताओ यार भाई लोग अगर कोई टूर्नामेंट आपको, मतलब थोड़ा कम बाइन वाला बताना अभी, क्योंकि यू नो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा बाइन वाला टूर्नामेंट खेल के. या फिर कैश ही खेले, चार पांच टेबल खेलते हैं आज बताओ. मज़ा आएगा भाई कैश में भी. तबाही तबाही चार पांच टेबल में. बताओ अगर मतलब लाइक क्या खेले अभी, कैश खेले या मतलब, क्योंकि मैं खेल सकता हूँ भाई थोड़ी देर ऐसी मेरे को मतलब, लेकिन अभी फन के लिए खेलना है, नॉट टू सीरियस. सो कोई टूर्नामेंट है तो बताओ. और कैश अगर देखना चाहते हो तो भी बताओ. लाइक कैश क्योंकि लो स्टेक है तो मतलब कोई टेंशन नहीं मेरे को. यहाँ पे मैं पूरा बैंक रोल बैक्ड है मेरा. सो कैश भी बताओ यार अगर लाइक आप चाहते हो कि मतलब कैश भी खेले तो. आई कैन प्ले एनी. कभी कभी रैप्स कुछ भी बोलते हैं ऐसा लगता है, रैपर्स कुछ भी राइम बना देते हैं. ओके सो मैं एक बार स्पार्टन पोकर में चेक कर रहा हूँ भाई लोग. अगर आपको कुछ टूर्नामेंट पता है, कोई लग रहा है कि खेलना चाहिए तो बताओ यार, जो कि स्पेशली वैल्यू टूर्नामेंट है. आई डोंट वांट कि यार थोड़ा लाइक ना हाई स्टेक टूर्नामेंट खेल ले, खाली पंगे हो जाएंगे मेरे साथ ही. सो या कोई वैल्यू टूर्नामेंट लग रहा है तो भाई डेफिनेटली बताओ यार. लेट मी सी, सेंचुरियन खेले क्या? सेंचुरियन खेले क्या गाइस, क्या बोलते हो यार? स्पार्टन पोकर पे सेंचुरियन खेले क्या गाइस, क्या बोलते हो गाइस, क्या बोलते हो? दसवें दस लखपति में तो हो गए भाई बस्ट अपन. चलो क्या ही करे. और कोई टूर्नामेंट है नहीं यार अभी इस स्पार्टन पे. अभी आई डोंट नो मैन, खेल सकते हैं यार अभी नहीं यार. अभी आई थिंक कि थोड़ा टूर्नामेंट को अभी रेस्ट ही देते हैं, थोड़ा बहुत कैश गेम खेलते हैं. चलो थोड़ा मूड
फ्रेश करते गाइस, थोड़ा कैश गेम खेलते फिर मैं निकलता हूँ यार, है ना। सो इट वॉज लवली ऑडियंस यार टुडे मैन, सीरियसली 13 बिग ब्लाइंड्स एस 10 जस्ट अ फ्लिप बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अपन हो चुके बस्ट बस्ट बस्ट, फाइव ड्यूज जस्ट आफ्टर फोल्ड। It moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit okay. That tourney's to have, bhai. Abhi raat ko na man nahi hai mera itna zyada khelne ka. So yep. I think yaar aaj ke liye band hi kar deta hu na. अभी कैश भी मतलब इतना ज़्यादा प्रॉपरली मैं खेलूँगा नहीं यार गाइस, तो यार बंद ही करता आई थिंक आज के लिए ना। आई थिंक आज के लिए बंद ही करते यार, हो गया मतलब बस्ट तो हो ही गए, कुछ रह गया क्या? ये बाल देख रहे हो अपने भाई कैसे हो गए मैं यार अच्छे से बन जा भाई, नॉर्मल हेयर स्टाइल। तो यार आई थिंक यप डेट वॉज, अबे भाई जैम जैम जाते वक्त तो छोड़ दे। तो सो गाइस That was it for today. आज अपन ने खेला 10 में 10 लखपति, कुछ खास कमाल नहीं हो पाया I know, but this is poker man and I need to improve definitely. So yep, I will try my best to improve and to present good content definitely. यार क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मैं अच्छा खेलूँगा आई विल विन, सो डेफिनेटली यार ऑडियंस भी आएगी, देखना पसंद करेगी। अभी भी आप लोग आए, 4-5-6 की वॉचिंग आई आज हमारी, काफ़ी अच्छा लगा मतलब। सो यप थैंक्स फॉर जॉइनिंग गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अभी तक किसी ने अगर लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, एंड डेफिनेटली यू गाइज वर अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी टूडे। एंड कोई बात नहीं, टूर्नामेंट्स में बस्ट होते रहते हैं, दैट्स फाइन। और यप आई नीड टू इम्प्रूव एंड डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव गाइस। सो यप डेट वॉज इट फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड, लेट्स होप आई विल परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम। एंड यप यार टू बी ऑनेस्ट दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग फॉर मी इन टॉर्नामेंट्स, अभी आई यूज टू प्ले कैश गेम्स ओनली। सो टॉर्नामेंट में काफ़ी लाइक फ्रेश स्टार्ट है और काफ़ी चीज़ें मैं फकअप कर रहा हूँ मेनली बिकॉज ऑफ पेशेंस टिल्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें जिनकी वजह से दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे एस 10 वर्सेस पॉकेट एसेस, ओके दैट वाज सिक। तो चलो भाई लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रीम में, तब तक के लिए